हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन की, अकाउंटिंग के। मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि ये लेसन जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको ये लेसन आता है तो ऐसा नहीं कि गारंटी है कि वो अकाउंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है। लेकिन अगर ये आपको लेसन नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपका जो बेस है अकाउंटिंग का वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, और आप अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं बार बार अटकते रहोगे। तो हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये जो लेसन है, ये आज हम करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो इस वीडियो का पर्पज़ है, पहले आप सुन लीजिए, बहुत ही आराम से हम करीब 35 टर्म्स जो हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, सभी जो 35 टर्म्स हैं हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही आराम से, मैं कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं जाऊँगा, आराम से इत्मीनान से हम एक एक करके हर टर्म को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे कि हमें ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, और बहुत ही कंसाइज वीडियो रखनी है, लेकिन हर चीज़ को जितना अच्छे से समझ सकते हैं हम गिवन टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेसन है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, सबसे पहले तो ये कहाँ फॉल करता है। वैसे तो अकाउंटिंग जिसको भी सीखनी है वो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है, लेकिन वैसे ये जो लेसन है वो CBSE की क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है उसमें जो लेसन 2 है उसमें ये लेसन फॉल करता है। इसको आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये लेसन हमें कैपिटल, असेट्स, लाइबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे, मतलब डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट, मतलब बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो हम अकाउंटिंग में अब आगे सुनने ही वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत सारे टर्म्स हम आज इसी वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उससे पहले हम कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस में कि कहीं ना कहीं कोई भी अगर जो एक्टिविटी होती है, और जो कहीं ना कहीं बेसिकली ट्रांजैक्शन का अपने आप में मतलब होता है कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी हुई है, कोई इवेंट हुआ है, कोई लेन देन हुआ है बिजनेस में, और सिंपली ट्रांजैक्शन का मतलब केवल यही है। लेकिन अगर मैं इसके आगे लगा दूँ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो उसका मतलब जो है बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा, और उसका मतलब ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हम केवल उसको कहेंगे जो कि ऐसी ट्रांजैक्शन है, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा लेन देन जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन पे किसी तरह से जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चेंज होगी किसी तरह से, या तो कम ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ होगा। इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये जो पांच मेजर हेड्स हैं बिजनेस की कहीं ना कहीं आइटम्स के, तो उसमें किसी भी तरह से जो है फ़र्क पड़ेगा, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कह सकते हैं कि वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और साथ ही साथ उस ट्रांजैक्शन में ये नेचर भी होना चाहिए कि उसको मैं मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर पाऊँ, तो जाके ये जब सारी चीज़ें होंगी तब जाके मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन जो है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और ये ज़रूरी क्यों है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अकाउंटिंग सभी तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करती है। ओनर जो है फैक्ट्री के बाहर खड़ा होकर किसी से यूं ही बात कर रहा है, या फिर जो है जर्नली चलो एक डील की बात हो रही है, लेकिन क्या इससे इमिजिएटली अभी क्या कोई फाइनेंशियल पोजिशन में इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन तो है, ठीक है, कुछ इवेंट हो रहा है, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे कोई फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट नहीं हो रही, और ना ही मैं इस चीज़ को जो है मनी टर्म्स में दिखा सकता हूँ। तो जब दोनों चीज़ें होती हैं कि ऐसा इवेंट हो रहा है, ऐसा लेन देन, ऐसा एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी तरह से उस पर जो है फ़र्क पड़ेगा, और साथ ही मैं उस चीज़ को मॉनिटरी टर्म्स में दिखा सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो जाके वो ट्रांजेक्शन होगी क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, तो आप अपने नोट्स वगैरह या जो भी बुक आपके पास है अपना पेन हाइलाइटर साथ रखिएगा, और उसमें नोट करते रहिएगा कि एटलीस्ट जो जो मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई करके ढूंढ के वो चीज़ आप वहाँ मार्क करके आप आगे के लिए आप अपनी लैंग्वेज में जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को लिख सकते हैं, अगर आप केवल इतना भी जानते हैं जितना मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मार्क करते रहिए साथ साथ, ठीक है। ओके, इसके बाद हम अगली चीज़ पर बात करते हैं। अगली चीज़ है, लेकिन एक चीज़ और, ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा और हम थोड़ा सा खोल के और देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का इस बेसिस पे कि क्या कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है कि नहीं,
इस बेसिस पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो भागों में मैं बांट सकता हूँ, इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वैसे तो नहीं भी ये चीज़ डिस्कस करते तो भी चल जाता है, क्योंकि इस पर बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन वगैरह, लेकिन कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। तो खैर, इंटरनल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, कोई भी सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। बिजनेस बेसिकली अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो नेसेसरी एंट्रीज होती है जनरली अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, साल के एंड पे, वो कर रहा होता है जो कि नेसेसरी एंट्रीज होती हैं। लेकिन वहाँ पे कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, सिंपली वो अपना कुछ अरेंजमेंट वगैरह और कुछ एंट्रीज पास हो रही होती हैं जो कि नेसेसरी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि मतलब जो है मेरा असेट मैंने खरीदा था 8 लाख में, लेकिन इस साल जो है मेरे हिसाब से जो है वो केवल यूज़ हुआ है 2 लाख का, तो 2 लाख मेरा एक्सपेंस है, तो उसको मैं डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करता हूँ। तो यहाँ पे कोई, जब मैं ये चार्ज करूँगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, जो भी वो असेट है, तो यहाँ पे कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये एक नेसेसरी एंट्री है जो रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई सेकंड पार्टी क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये एग्जांपल है किसका, इंटरनल ट्रांजैक्शंस का। ओके, बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं आप देखोगे जो है कहीं ना कहीं जिसमें कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है, बिजनेस जो है अपने हिसाब से वो एंट्रीज पास कर रही है, बिजनेस रिजर्व क्रिएट करता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजर्व में ट्रांसफर करता है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये अपने आप में बिजनेस का एक काम है जो वो हर साल करता है, तो ये कर रहा है वो, तो बाय इटसेल्फ वो कहीं ना कहीं जो एंट्रीज कर रहा है जिसमें केवल बिजनेस ही इन्वॉल्व है और कोई रीजन की वजह से ही कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन कर रहा है और कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैं कह सकता हूँ इंटरनल ट्रांजैक्शन। ओके, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें किसी भी तरह से कोई और पार्टी भी इन्वॉल्व है, इवन अगर ओनर भी इन्वॉल्व है तो उसको भी सेकंड पार्टी ही माना जाएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग में जो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम एक पढ़ेंगे, उसकी वजह से ये एक बेसिक एजम्पशन है कि बिजनेस और ओनर को अलग माना जाएगा। तो खैर, तो इसलिए जो है कैपिटल जो है यानी कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है रिसोर्सेज कैश वगैरह इन्वेस्ट करता है ओनर, उसको लायबिलिटी माना जाता है बिजनेस के तरफ से। क्यों? क्योंकि ओनर को तो हम दूसरी पार्टी मान रहे हैं। तो खैर, तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के, जैसे हमने जो है परचेज करी, सेल करी, तो किसी से ही करेंगे ना, किसी को ही देंगे ना, तो इसलिए, या सैलरी दी, तो ये सारी जो एग्जांपल है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के। नाउ एक क्लासिफिकेशन और है इस बेसिस पे कि कैश की मूवमेंट इमिजिएटली हो रही है कि नहीं, इस बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को दो भागों में बांट सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब ये शब्द यूज़ होंगे क्रेडिट वगैरह तो आपको पहले से ही पता होंगे। ओके, तो कैश ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की मूवमेंट इमिजिएटली हो रही है, तो जो है कहीं ना कहीं उसको मैं कहता हूँ कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल, मैंने कैश परचेजेस करी या कैश सेल्स करी, तो पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें पैसे का इनफ्लो जो है इमिजिएटली नहीं होता, अभी कैश का इनफ्लो और एक फ्यूचर डेट सेट की जाती है तब होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने उधार पे गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे उधार पे, तो यहाँ पे कैश का इनफ्लो जो है फ्यूचर डेट पे होगा, अभी नहीं, तो ये होगी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये इसी के साथ हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो पार्ट था वो होता है कंप्लीट। ओके, वी होप कि आपको समझ आया होगा, काफ़ी डिटेल में हमने बात की है। दूसरी जो हम आइटम की बात करेंगे, जो अगली जो अकाउंटिंग टर्म है वो है अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आप सुनोगे इस चीज़ को। अकाउंट का मतलब होता है कि जब देखिए बिजनेस में अलग अलग आइटम्स होती हैं, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी बिजनेस में, तो हर एक्टिविटी, हर आइटम से रिलेटेड उसका समराइज्ड, कि जब जब उस आइटम में इम्पैक्ट आया था, वो चेंज हुआ था, उसका जो समराइज्ड कहीं ना कहीं जो है हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसका हम बेसिकली कहते हैं कि हम उसका अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं परचेजेस अकाउंट बना रहा हूँ, तो परचेजेस अकाउंट में अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जब जब परचेजेस हुई थी वो डेट आएगी, उसकी जो है डिटेल्स आएंगी साथ में, कि वो कैश परचेज था या क्रेडिट परचेज था, वो किस तरह से आएगा वो हम लेजर वाले टॉपिक में समझेंगे, क्योंकि लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर अकाउंट्स बनते हैं, अलग अलग पेज पे अलग अलग अकाउंट्स आप जो है विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ अलग अलग पेज पे अलग अलग अकाउंट्स हैं, तो अलग अलग अकाउंट्स बेसिकली अलग अलग आइटम ऑफ बिजनेस का जो समराइज रिकॉर्ड है अकाउंटिंग पीरियड के दौरान वो बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट में जो है बेसिकली कब कब हमने सैलरी दी, वो डेट, वो अमाउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें सैलरी अकाउंट में हम जो है कहीं ना कहीं देख सकते हैं, तो समराइज्ड वर्जन होता है। क्योंकि क्या होता है, आपको पता होगा ये चीज़ कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली जो वीडियो है, रिविजन वीडियो, कि
हम सबसे पहले जो आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को, उसको मनी ट्रांस में कन्वर्ट कर लिया। तीसरा स्टेप आता है जर्नल, जो बुक होती है उसमें हम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जो चीज़ जैसे हैपन हो रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, हॉचपॉच हो जाता है, कभी सेल कभी परचेज कभी ये कभी वो। तो चौथा जो स्टेप होता है क्लासिफाई, जो अकाउंटिंग प्रोसेस का, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, लेजर जो बुक होती है उसके अंदर अकाउंट्स बेसिकली जो है क्रिएट करते हैं, जिसमें हम समराइज करते हैं एक आइटम से रिलेटेड अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितने भी चेंजेस आए हैं उसमें, वो सारी चीज़ एक जगह पे हम जो है उसको जो है एक तरह से समराइज कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुपिंग टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो अकाउंट जो है बेसिकली आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अकाउंटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक टी शेप स्ट्रक्चर, ऐसा होता है अकाउंट। इसकी एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। जो लेफ्ट साइड होती है अकाउंट की उसको हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो राइट साइड होती है अकाउंट की उसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ओके, अभी केवल जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना आप समझिए, बाकी जर्नल और लेजर में जितना भी एक्सप्लेन और करना ज़रूरी है वो हम वहाँ करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड जो एंट्री करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने अकाउंट को डेबिट किया है। ओके, और जब भी हम उसके राइट साइड कुछ जो है बेसिकली नोट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, तो फिलहाल आपको जो है कहना कि अकाउंट के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी थी, तो ये हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। तीसरा टर्म है कैपिटल, बहुत ही ईजी, अभी मैंने डिस्कस भी कर लिया बीच में। कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट होता है, या कैश अमाउंट या फिर रिसोर्सेज इवन, जो कहीं ना कहीं जो ओनर ऑफ द बिजनेस है या प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस कह सकते हो, वो इन्वेस्ट करता है जो बिजनेस में, यानी कि अपने पर्सनल रिसोर्सेज जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को दे देता है, और फिर बिजनेस के लिए जो है वो चीज़ यूज़ की जाएगी। उन उस कैश अमाउंट को, उस रिसोर्सेज को जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो कैपिटल है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें खास बातें हैं। पहली बात तो बहुत लोगों को लगता है कि ओनर केवल जो है कैश अमाउंट ही देता है, पैसे ही देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ओनर की अपनी कार है जो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता है, लेकिन उसके पास दो कार्स हैं, तो एक कार अगर वो बिजनेस के लिए यूज़ करने लग जाए तो वो कार भी कहीं ना कहीं अब वो कैपिटल बन गई, कैपिटल का पार्ट है, और बिजनेस की जो बैलेंस शीट बनेगी जिसमें बिजनेस के असेट्स और लाइबिलिटीज नोट करते हैं, अभी हम इसका मतलब समझेंगे। तो लाइबिलिटी जो एक बोझ है बिजनेस पे, जो किसी को उसको वापस करना है जो अमाउंट वगैरह, तो जो है वो जो क्योंकि हम ओनर को डिफरेंट मानते हैं बिजनेस से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से, इसलिए आप हमेशा देखना कैपिटल जो है वो जो बैलेंस शीट है उसके लाइबिलिटी साइड दिखा जाता है, और जितना रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है ओनर बढ़ाता रहता है, उतनी जो है कहीं ना कहीं बिजनेस की लाइबिलिटी कैपिटल नाम से जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा भी एक कंसेप्ट होता है ड्रॉइंग्स। जब अगर कभी जो ओनर ने अपने जो रिसोर्सेज या कैश जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, अगर वो कभी भी उन चीज़ों को पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है, वापस ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं क्या कि वो ड्राइंग्स है। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट बनता है उसके लिए। और जो बेसिकली एक कॉन्ट्रा अकाउंट है, क्यों कॉन्ट्रा अकाउंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बनते हैं, उनका जो भी फिर फाइनली जो अमाउंट होता है वो इसलिए नोट किया जाता है क्योंकि वो अमाउंट किसी और अमाउंट से रिलेटेड होता है, और कहीं ना कहीं उसको या तो बढ़ाता है या घटाता है, जर्नली घटाता है। ठीक है, जैसे प्रोविजंस वाले जो अकाउंट होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह, तो वो डेटर के अमाउंट को घटा देते हैं फाइनली। ठीक है, या जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम आगे बनाना सीखेंगे, वो भी एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो है कहीं ना कहीं वो जो असेट का जो अमाउंट है वो घटाने के लिए फाइनली बनाया गया होता है। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स एक ऐसा चीज़ है जो फाइनली कैपिटल को कम कर देती है, या ये बोलो कि बिजनेस की लाइबिलिटी जो है ओनर के प्रति कम हो जाती है जब बिजनेसमैन यानी कि ओनर खुद ही जो है वो चीज़ें विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, हमने फोर्थ आइटम भी डिस्कस कर लिया, क्या ड्रॉइंग्स। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया अकाउंट, तीसरा हमने डिस्कस किया कैपिटल, और चौथा हमने डिस्कस किया ड्रॉइंग्स। कैपिटल के और भी नाम है, कैपिटल को आप नेटवर्थ भी बोल सकते हो, कैपिटल को आप ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बस ये जर्नली मुझे नाम बताने थे आपको। तो कभी भी आप नेटवर्थ देखो या ओनर्स इक्विटी देखो या इक्विटी भी अगर केवल देखो, तो ये बेसिकली कुछ और नहीं है, कैपिटल है, यानी कि वो सारा पैसा जो कहीं ना कहीं बिजनेस के पास है जो कि ओनर का है, आप इस तरह से कह सकते हो। अब हम फिफ्थ आइटम की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार आप इसका नाम सुनोगे, इसका नाम है असेट्स। देखिए असेट्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस कोई भी करता है,
तो उसके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वो बिजनेस को रन करने में काम आती है, बिजनेस को लॉन्ग टर्म करते रहने में काम आती है, बिजनेस की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो अल्टीमेटली इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करने के लिए, चाहे अभी करंट अकाउंटिंग पीरियड में या फ्यूचर में, कहीं ना कहीं लगातार जो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होता रहे, इस चीज़ के लिए मेरे पास, बिजनेस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे रिसोर्सेज जो होते हैं, जो बिजनेस को कहीं ना कहीं लगातार रन करने में काम आते हैं, उसकी इनकम में कहीं ना कहीं इनकम उसकी होती रहे, तो इसलिए जो कहीं ना कहीं बिजनेस को रन करने में काम आते हैं, बिजनेस को ग्रोथ अचीव करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के होती हैं, वो होते हैं बिजनेस के असेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ईजी चीज़ है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ आज ही समझ रहे हैं या इसी एक घंटे में समझ रहे हैं। आप उस चीज़ को नेचुरली बिल्डअप होने दीजिए। आप शायद आज जो है 70-80% समझें इस वीडियो को जब आप पहली बार देखें, लेकिन कल आप जो है कहीं ना कहीं रेस्ट के बाद, नींद के बाद दोबारा से इस तरफ सोचेंगे तो आपको जो है खुद ही ख्याल आएंगे और खुद ही वो कंसेप्ट आपके अंदर ही जो है बिल्डअप होगा, या जो है आगे के लेसन्स जो हैं, क्योंकि बेसिकली अभी शुरुआती लेसन्स हैं। इसमें मैं चाह के भी आपको इतना विजुलाइज नहीं करा सकता कि आप जो है बेसिकली इसी लेसन में पूरी अकाउंटिंग सीख जाओ। तो मतलब पेशेंस रखना आराम से, ऐसा नहीं कि असेट का मतलब आगे कभी डिस्कस ही नहीं होगा आगे के चैप्टरों में, तो इजी लेना। ठीक है, फिलहाल मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप ग्रैब करने की कोशिश करो, और बाकी सोचो कि हाँ बाद में देखेंगे, आगे के लेसन्स भी तो हैं, अगले 20 लेसनों में भी तो कुछ होगा। ठीक है, तो असेट्स का मतलब जो है मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करने में हेल्प करते हैं, उसको ग्रोथ अचीव करवाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग है उसकी, यहाँ पे बिल्डिंग अगर नहीं होती तो वो काम कैसे करता बिजनेस, लेबर कहाँ काम करती। तो फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें, इतनी सारे काम होते हैं इसके थ्रू बिजनेस में। ये ना हो तो मतलब बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं बिजनेस के असेट्स कहे जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमें जनरली लगने लग जाता है कि असेट्स केवल वो चीज़ें होती हैं जो हम देख सकते हैं और हम अपने सामने देख रहे हैं कि हाँ यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ नहीं होती तो बहुत दिक्कत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। असेट का मतलब और ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। असेट्स में इनटेंजिबल चीज़ें भी आ जाती हैं। इनटेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम देख नहीं सक रहे, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसका होना हम एहसास कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी वजह से भी जो है मेरी सेल्स ज़्यादा हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस ने अगर उसके पास जो है कहीं ना कहीं कॉपीराइट्स उसने एक्वायर कर रखे हैं, पेटेंट्स एक्वायर कर रखा है, गुडविल किसी की जो है परचेज कर रखी है, और जो है रेपुटेशन, डिज़ाइंस परचेज कर रखे हैं, ट्रेडमार्क्स जो है कहीं ना कहीं जो उसके उसने सपोज जो है एक्वायर कर रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो बिजनेस को हेल्प करती हैं उसकी सेल्स वगैरह बढ़वाने में। मेन जो हमारा होता है ना पर्पस, ये होता है कि हमारा जो रेवेन्यू है यानी कि सेल्स है, टर्नओवर है, वो बढ़ता रहे, और उसको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं ये सारे असेट्स कंबाइनली। आप अकेले उस एसेट को देखोगे शायद आपको लगेगा कि यार वो इतना काम का नहीं है, लेकिन कंबाइनली ये सारे असेट्स मिलके कहीं ना कहीं उस बिजनेस को खड़ा करते हैं, और बिजनेस में सेल्स लगातार जो हो रही है वो उन सारे असेट्स का बेसिकली फल है, कि उन सारे असेट्स की वजह से कहीं ना कहीं कंबाइंडली वो सारे असेट्स काम करते हैं हमारे लिए, तब जाके जो है कहीं ना कहीं हमारी सेल्स लगातार हो रही है, और फिर उसमें से एक्सपेंसेस हम काट के फिर हम इनकम तक पहुंचते हैं, प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। ओके, तो असेट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, ये इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल का मतलब आपको पता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जितने भी मैंने ज़्यादातर एग्जाम्पल दिए वो टेंजिबल असेट्स ही थे, लेकिन इनटेंजिबल भी होते हैं। ये चीज़ आपको जो है कहीं ना कहीं आपको फील होनी चाहिए, और ऑब्वियसली कि जो है कहीं ना कहीं अगर मैं किसी का ट्रेडमार्क खरीद लूँ, डिज़ाइंस खरीद लूँ, पेटेंट खरीद लूँ, और उसको यूज़ करके मैं बेहतर तरीके से जो है प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, बेहतर तरीके से अपने बिजनेस रिलेशंस जो है बना पा रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली मेरा असेट ही है, क्योंकि उसके उसकी वजह से मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। अब वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही तो उसका मतलब क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो मेरा असेट है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल्फ जनरेटेड अगर कोई चीज़ होती है, खुद ही मतलब मैंने उस चीज़ को जनरेट किया, गुडविल है, सपोज मैंने लगातार काम किया सालों साल, उसकी वजह से मेरी रेपुटेशन है, तो उस चीज़ को लेकर हम रिकॉर्ड नहीं करते एसेट के रूप में बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे नहीं पता कि मैं कितने अमाउंट पर रिकॉर्ड करूँ, रीजनेबल एक्यूरेसी से नहीं पता लगाया जा सकता। तो हमेशा जब हम कोई चीज़ एक्वायर करते हैं उसके लिए जो हमने कॉस्ट बियर करी, पे करी,
उस अमाउंट पे जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को तब हम असेट मान के असेट साइड जो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो चाहे पेटेंट हो, वो चाहे ट्रेडमार्क हो वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह और गुडविल वगैरह इस पर मैं सेपरेट एक जर्नल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ओके नाउ, ये हो गई बेसिकली बात कि मैं देख सक रहा हूँ कि नहीं देख सकता। इस बेसिस पे असेट्स को मैं क्लासिफाई कर रहा था किसमें, टेंजिबल और इनटेंजिबल में। नाउ एक और बेसिस है, देखिए हमेशा बेसिस चेंज करोगे ना उस चीज़ के भी टाइप जो भी हम निकल के आ रहे हो डिफरेंट हो जाएंगे। तो पहले आपको देखना है कि किस बेसिस पे मैं टाइप बना रहा हूँ, और फिर उस बेसिस को दिमाग में रख के मैं फिर देखता हूँ कि हाँ कितने टाइप निकल के आए, ठीक है। तो पहला बेसिस डिफरेंट था, उसके बेसिस पे टाइप निकल के आए टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। नाउ अगला बेसिस है कि वो जो असेट है मेरा वो मुझे कितने टाइम तक इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है, वो क्या जो है मुझे कुछ महीनों के लिए ही मेरे काम आने वाला है ऐसी चीज़ है, या वो सालों साल मेरे काम आएगी। इस बेसिस पे कि मतलब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे कितने टाइम तक मिल सकता है, इस बेसिस पे जो असेट्स हैं वो दो टाइप में मैं बांट सकता हूँ, वो क्या है, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। ओके तो इसको समझते हैं, बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करंट असेट्स को समझते हैं, देखिए जब हमारी बैलेंस शीट बनती है तो उस पर एक डेट लिखी होती है कि एज ऑन दिस डेट, और डेट लिखी होती है उसका मतलब ये होता है कि इस दिन, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे एक पीरियड का बनता है, एक पूरे साल का बनता है, और उस पूरे साल के दौरान जो मेरे पूरे उस साल के दौरान जो मेरे खर्चे थे, जो मेरे रेवेन्यू था, वो जो हम कहीं ना कहीं उसमें नोट करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट कोई पीरियड की नहीं बनती, वो एक दिन की बनती है। जर्नली अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो जाता है उसका लास्ट दिन हमारे पास जो बेसिकली जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि कितने असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस की, वो उस दिन की जो है कहने के निकालते हैं। तो ये एक पॉइंट, एक जर्नली दिन की बनती है, उस पॉइंट की बनती है कि उस दिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अब आप समझिए करंट असेट, हमारा जो बैलेंस शीट है उस पर जो डेट लिखी होती है ना, सपोज डेट लिखी हुई है 31 दिसंबर 2019। अब उस बैलेंस शीट के अंदर हम देखते हैं उसमें असेट साइड जो है लिखा होता है करंट असेट्स, और जो है लिखा हुआ है सपोज डेटर्स, डेटर्स के आगे अमाउंट लिखा हुआ है 10,000। डेटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा आना है, तो ऑब्वियसली हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होना है, तो इसलिए वो असेट साइड लिखा हुआ है। अब करंट असेट का मतलब ये होता है कि जो हमें जिस दिन की वो बैलेंस शीट है वहाँ से अगर वहाँ से हम बोलते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर ही वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट है हमें लग रहा है कि वो डिराइव हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा, हम कंज्यूम कर लेंगे उस चीज़ को, तो ऐसे असेट को हम बोलते हैं क्योंकि उसका पीरियड करंटली ही मिल जाएगा, कुछ ही आने वाले दिनों में ही, आने वाले महीनों में ही उसका फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए हम उसको बोलते हैं करंट असेट, ठीक है। जर्नली स्टॉक, जर्नली डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, ये कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि यार इसका फ़ायदा हमें 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। 12 महीने लेकिन कहाँ से गिनने हैं, वही मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट जिस दिन की है उस दिन से 12 महीने के अंदर अंदर अगर जो है कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मुझे मिलना है, तो वो सारे असेट्स को इसलिए बोलते हैं हम उस बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ गिनती करते हैं 12 महीने तक, तो कहाँ से करने ये भी पता होना चाहिए ना, ठीक है। ओके एक चीज़ मैं वो छोटी सी और बताना चाह रहा हूँ, ये 12 महीने कोई रूल नहीं है, लेकिन हालांकि चल यही रहा है, 12 महीने ही जनरली 99% बिजनेस यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली रूल ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल। हम ये देखते हैं कि हम बेसिकली ऐसा नहीं कि 12 महीने ही देखना होता है, अगर बिजनेस चाहे तो वो कोई और पीरियड भी चूज़ कर सकता है करंट असेट और नॉन करंट असेट को डिफाइन करने के लिए, लेकिन जनरली 12 महीने के अंदर अगर फ़ायदा मिल रहा है तो करंट बोल देते हैं, और उसके बाद भी मिल रहा है लगातार कई सालों तक तो उसको हम नॉन करंट बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली 12 महीने कोई रूल नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल देखनी होती है बिजनेस की। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने सपोज कोई एक्वायर करी आगे वापस से सेल करने के लिए, या उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड बना के मैं उसको सेल करूंगा, तो बेसिकली जब मैंने कोई चीज़ एक्वायर करी वो दिन पकड़ लो, और जब फाइनली वो चीज़ बिक गई और मुझे पैसा भी आ गया ये दिन पकड़ लो। ये जो पीरियड होता है ना जर्नली, ये जो होता है ये उस बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल होती है कि कितनी टाइम में ऑन एन एवरेज वो कोई चीज़ एक्वायर करके वापस से उसको जो प्रोसेसिंग या सिंपली सेल करके कैश वापस से कन्वर्ट कर लेते उस चीज़ को कैश में, ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है ये कहीं ना कहीं होता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो कुछ बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने गुड्स खरीदे और उनको पता है कि यार गुड्स जो है 5 महीने में बिकी जाते हैं और कैश भी आ जाता है डेटर से, तो उनकी ऑपरेटिंग साइकिल ये भी हो सकती है कि 5 महीने हो, और फिर वो क्या कर सकते हैं करंट असेट चुनने के लिए वो ये बोलेंगे कि बैलेंस शीट का जो दिन आ रहा है वहाँ से 5 महीने के अंदर मुझे अगर बेनिफिट डिराइव हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव होना है, तो उसको मैं बोलूँगा करंट एसेट,
और 5 महीने के बाद भी अगर मुझे बेनिफिट ड्राइव होता आ रहा है तो उसको मैं बोल सकता हूँ नॉन करेंट एसेट। लेकिन वो मैं तब बोल रहा हूँ अगर उस बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 5 महीने की है। लेकिन जनरली बिजनेस जो है इतना दिमाग खपाते ही नहीं है और ना ही वो एक्यूरेटली पता कर पाते कि ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है, तो इसलिए सेफ साइड जो है कहीं ना कहीं 12 महीने चुन लिया गया है कि हाँ 12 महीने के अंदर फायदा मिल रहा है तो करंट एसेट, और उसके बाद भी मिलता जा रहा है तो नॉन करंट एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऐसे एसेट जो जिनका फायदा वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरह से लंबे समय के लिए, और वो आपने इसलिए नहीं करी थी कि जो है बस चल यार इस साल जो मुझे उससे फायदा हो जाए, नहीं, वो ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे वो जो एक्सपेंडिचर आपने किया है, खर्चा इतना मोटा किया है, अच्छा खासा किया है, कि वो चाहते हो आपकी वो जो असेट है वो आपके साथ सालों साल रहे, आपके काम आए। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी है, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स हैं। ये कुछ ऐसे असेट्स हैं जो नॉन करेंट असेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के दिन जो भी हमारे जो असेट्स हम देख रहे हैं वहाँ से 12 महीने के बाद भी कहीं ना कहीं वो जो ऐसे असेट्स हैं नॉन करेंट असेट्स जिनको मैं मानता हूँ कि मुझे उनका फ़ायदा जो है मिलता रहेगा। ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हमने जो असेट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। अभी हल्का सा जो रहता है वो मैं बात कर लेता हूँ। हमने अभी जो एक टर्म बोला प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, मैं उसको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस को करंट असेट माना जाता है, ये तो अलग बात है, मैंने बताया आपको, लेकिन अपने आप में प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस का मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको, मतलब मुझे किसी को 300 रुपये देने हैं लेकिन मैंने उसको 600 रुपये दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा 300 रुपये दिए अब वो चीज़ मुझे जो है कहीं ना कहीं मुझे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट वगैरह तो नहीं मिलना, मुझे कोई कैश तो नहीं मिलना फ्यूचर में, लेकिन अपने आप में जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने दिए उसका किसी तरह से तो मुझे कोई बेनिफिट होना है ना। सामने वाला मुझे गुड्स या सर्विसेज देगा ना अभी, तो किसी तरह से बेनिफिट तो होगा ही। तो यानी कि ये खुद ही बताओ आप, प्रीपेड एक्सपेंस को असेट मानना चाहिए या आपके ऊपर बोझ है ऐसा मानना चाहिए? ऑब्वियसली फायदा असेट मानना चाहिए, तो प्रीपेड एक्सपेंस को भी जो है कहीं ना कहीं हम असेट मानते हैं, लेकिन ये है कि इससे कोई कैश नहीं मिलना होता हमें फ्यूचर में, पर ये है कि जो हमने कैश ऑलरेडी ज़्यादा दे रखा है तो उसके बेसिस पे हमें सर्विस या गुड्स वगैरह जो है मिलने अभी बाकी हैं, तो उसी को ही जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट मान के हम इसको असेट ज़रूर मानते हैं और इसको करेंट असेट मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार जनरली ये जो होते हैं खर्चे ऐसे जो हम पहले मतलब जो है पेमेंट कर देते हैं उनका जनरली फायदा जो है उसी साल मिल जाना होता है। बैलेंस शीट का मतलब जो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज हुआ, बैलेंस शीट बनी उस दिन की, वहाँ से 12 महीने के विदिन जो है कहीं ना कहीं वो फायदा जो है जनरली मिल जाता है, इसलिए हम जो है प्रीपेड एक्सपेंस को करंट असेट मानते हैं। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर हमें पता ही कि हमने जो है 3 साल के पैसे आज दे रखे हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस को नॉन करंट असेट भी जो है बोला जा सकता है। ओके ओके, कंसेप्ट पक्का होना चाहिए, ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत ही एक ऐसे टॉपिक की जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगता है, और मुझे भी पर्सनली जब मैंने पहली बार इस कंसेप्ट को समझा था तो पहली बार में समझ नहीं आया था, लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ। एक कंसेप्ट है फिक्टिशियस असेट। पहले आना आपको मैं इंग्लिश वर्ड का मतलब बताया, तो फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? देखिए फिक्टिशियस का मतलब होता है जो हमें लगता है लेकिन एक्चुअली वो चीज़ वो नहीं होती। ठीक है, मतलब सपोज जो है ये मैं सपोज मैं बोलूँ एक बॉक्स है, बॉक्स बॉक्स है, लेकिन बॉक्स के पीछे अगर मैं फिक्टिशियस लगा दूँ तो इसका मतलब भी हो जाएगा, फिक्टिशियस बॉक्स का मतलब है कि वो लग रहा है दूर से बॉक्स है पर एक्चुअली वो बॉक्स नहीं है, वो शायद कोई ओपेक चीज़ है जिसके अंदर हम एक्चुअली कुछ रख नहीं सकते, वो लग रहा है, या कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ लग रही है कि वो चीज़ है, हमें हमारी अंदर की जो बेसिकली दिमाग कह रहे हैं कि वो चीज़ है, लेकिन अगर वो एक्चुअली चीज़ नहीं है तो उसके पीछे मैं नाम लगा सकता हूँ फिक्टिशियस। ठीक है, तो फिक्टिशियस का मतलब पहले पता होना ज़रूरी है। अब आपको जो एसेट का मतलब थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है इसका मतलब, तो देखिए फिक्टिशियस असेट का मतलब क्या होगा कि लगता है कि असेट है लेकिन एक्चुअली वो चीज़ असेट नहीं होती बिजनेस के लिए, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो बिजनेस के लिए फ़ायदा लाएगी फ्यूचर में या करंट पीरियड में। तो बेसिकली ये तो हमें पता लग गया कि फिक्टिशियस असेट कोई ऐसी आइटम होती होगी, कुछ ऐसा अमाउंट होता होगा जिससे एक्चुअली बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट या कुछ कैश या कोई सर्विस या गुड्स कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन क्यों फिर उसको असेट बोल रहे हैं हम, फिक्टिशियस असेट भी क्यों बोल रहे हैं फिर उसको अगर वो एसेट है ही नहीं? क्योंकि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट असेट्स की तरह होता है, और असेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है कि अगर हमने कोई असेट पे खर्चा किया होता है सपोज 5 लाख, तो उसको हम क्या करते हैं, असेट साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है,
और जो है कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे करके जो है उसको जो भी हमने उस पर टोटल मतलब खर्चा किया उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकालते हैं। सपोज 5 लाख खर्चा किया उस एसेट पे, प्लांट एंड मशीनरी पे सपोज, और उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो इस साल मैंने कितना यूज़ किया उसको, करीब करीब ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये का। उस 50,000 रुपये को केवल एक्सपेंस मान के जो है कहीं ना कहीं हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा एक्सपेंस मान के। ये जनरली अकाउंटिंग होती है किसकी, असेट्स की, कि धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू हम घटाते हैं, और वो घटाने का अपना एक तरीका होता है, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे। सो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हम एक ऐसा एसेट जो नॉन करेंट एसेट है, यानी कि एक ऐसा एसेट जिसकी लाइफ कहीं ना कहीं 12 महीने से ज़्यादा है, जो कई साल एक तरह से हमारे साथ रहने वाला है, तो उसको क्या है, हमने उसके लिए जितना खर्चा किया है उस पूरे खर्चे को, सपोज 5 लाख को मैं एक इसी साल, क्योंकि मैंने इस साल एसेट खरीदा है अगर, तो क्या मैं इसी साल उस पूरे 5 लाख को खर्चा दिखा के जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्ज करके क्या कर दूँ? लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही करना चाहिए, पर उससे नुकसान ही होगा कि वो कहीं ना कहीं जो असेट है आपको करीब 5-6 साल जो है यूज़ आपको करना है, उसका फ़ायदा आपको 5-6 साल मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से जो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो आपने इसी साल कर ली, तो ये तो अनफेयर नहीं लग रहा? कहीं ना कहीं अगले सालों का जो प्रॉफिट है उसमें जो एक्सपेंसेस दर्ज ही नहीं होगा कोई, और इस साल में इतना ज़्यादा एक्सपेंस दर्ज हो जाएगा कि जो है मेरा पूरा जो प्रॉफिट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है इस साल। तो बिल्कुल जो सही तरीका है वो यही है कि कहीं ना कहीं जिस असेट के लिए मैंने जितना भी खर्चा किया है वो असेट मुझे जितने साल काम आने वाला है, मैं उसकी पूरी कॉस्ट को उतने जो है कहीं ना कहीं पीरियड्स में बांट लूँ, उतने हिस्से कर लूँ उसके, और जो है कहीं ना कहीं उसको उसका जो एक हिस्सा है जितना मैंने एक तरह से इस साल यूज़ किया है उस असेट को, केवल उसी को ही मैं एक्सपेंस के रूप में शो करूँ, ठीक है? तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट होता है, तो जो नॉन करेंट असेट्स हैं या जो फिक्स्ड असेट्स हैं आप बोल सकते हैं उनको, तो उनकी जो अकाउंटिंग होती है उसी तरह से होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो फिक्टिशियस असेट्स है उनकी अकाउंटिंग असेट्स की तरह ही होती है, फिक्स्ड असेट्स की तरह ही, लेकिन एक्चुअली वो असेट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वो लॉसेस होते हैं, ये वो बड़े खर्चे होते हैं बिजनेस के, जो कहीं ना कहीं अगर मैं इसी साल में रिकॉर्ड कर लूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इरोड हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा, और लॉस भी हो सकता है इस साल। तो मैं क्या करता हूँ, जो बहुत बड़े लॉसेज होते हैं, बहुत बड़े खर्चे होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेयर ये रहेगा कि मैं उसको थोड़ा सा बांट लूँ, ताकि एक साथ ही जो है कहीं ना कहीं उसका बोझ इसी अकाउंटिंग पीरियड में ना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो बहुत बड़ा लॉस है, वो जो बहुत बड़ा खर्चा है, सपोज़ वो 6 लाख का है, मैंने 6 लाख सपोज़ किसी एक्टर को ब्रांडिंग के लिए दे दिए, कि जो एडवर्टाइजिंग के लिए दे दिए, उसने हमारे लिए मार्केटिंग वगैरह ऐड किए थे, तो मैंने उसको 6 लाख रुपए जो एकदम से खर्चा किए इस साल, लेकिन उसका फ़ायदा ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ सालों तक हल्का सा मतलब मिलता रहे, या नहीं भी मिले तो भी 6 लाख इसी साल मैं रिकॉर्ड कर लूँ, तो वो जो है कहीं ना कहीं अनफेयर लग रहा है मेरे को, क्योंकि बाकी सारे खर्चे तो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, तो अचानक से मेरा लॉस आ जाएगा इस साल। ऐसे ही जो है कई बार डिस्काउंट देना पड़ता है इशू ऑफ शेयर्स पे, इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, तो वो एक ऐसे खर्चे होते हैं जो कभी कभी होते हैं इस तरह की चीज़ें, बड़े खर्चे, तो उनको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी साल रिकॉर्ड ना करके थोड़ा सा पोर्शन इस साल रिकॉर्ड कर लो, उसको बोलते हैं कि उतने में से थोड़ा सा राइट ऑफ कर लो, जितना राइट ऑफ करा उतना इस साल का एक तरह से लॉस या एक्सपेंस दिखा के इस साल के जो अकाउंटिंग पीरियड का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है उसमें डेबिट कर दो एक्सपेंस के रूप में, और जो है बाकी जो बचा हुआ है उस बचे हुए पोर्शन को एक असेट के तरह, मतलब असेट नहीं है लेकिन असेट की जगह उसको जो है दिखा दो, ठीक है? तो वो एक्चुअली असेट नहीं है लेकिन वो शो हो रहा है हमें असेट साइड, ठीक है? तो कई बार वो क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है बिजनेस का, या बहुत बड़ा डिस्काउंट देना पड़ जाता है, या बहुत बड़ी फीस किसी को देनी पड़ जाती है, तो ये एक ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है, जितना राइट ऑफ किया उतना उस साल के P&L में डेबिट कर दिया एक्सपेंस के रूप में, और बाकी असेट साइड जो शो करते रहो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं फिक्टिशियस असेट। आई होप कि आपको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, थोड़ा टाइम लग गया 2-4 मिनट, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। आप ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या फिक्टिशियस असेट, मैं स्पेशली पूछ रहा हूँ फिक्टिशियस असेट का जो टॉपिक है, क्या आपको समझ आया है कि नहीं, ठीक है? और अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे लगता है कि शेयर करने में अपने आप में काफ़ी मतलब जो है पार है, कि जो है वो अकेला शेयर करना ही हमारी वीडियोज़ को काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है? और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम काफ़ी इस तरह की जो सीरीज़ में और रिवीजन वीडियोस जो है फटाफट, जिसमें जो है कहीं ना कहीं 1-1.5 घंटे में हम पूरा लेसन डिस्कस करेंगे, और भी वीडियोस जो हम लगातार बना रहे हैं, ठीक है? तो खैर,
हम यहाँ पे जो है एसेट्स की बात कर रहे थे, एसेट्स का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स डिस्कस कर लिया, टेंजिबल इनटेंजिबल, और लास्ट में जो टॉपिक ऐसा था जो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कहीं ना कहीं इतना आपको इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अकेडमिक लाइफ में इससे बहुत पूछा जाता है। तो हमने फिक्टिशियस एसेट का जो टॉपिक है वो भी डिस्कस किया। इसी दौरान हमने, मैं कह सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कर लिया। ओके, अब मैं बात करता हूँ लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक होता है कि बेसिकली लाइबिलिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस पे किसी वजह से बोझ है। या तो बिजनेस से लोन ले रखा है, किसी से कर्ज ले रखा है, या उधार पे सामान ले रखा है, या किसी को जो है किसी भी वजह से उसने अभी पैसे देने हैं, कुछ देना है, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं उसके लिए वो लाइबिलिटी है। या एक ये भी चीज़ हो सकती है कि उसने किसी से पैसे ले लिए लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं जो सर्विस देनी थी थोड़ी सी दी है, थोड़ी सी भी रहती है। तो मतलब किसी तरह से अगर जो है कहीं ना कहीं किसी तरह के बोझ में, कर्ज में अगर बिजनेस है तो वो एक चीज़ जो है उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी। बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। और इसको जो है मैं बिल्कुल जैसे हमने असेट्स को समझा वैसे ही लाइबिलिटीज़ जो है कहीं ना कहीं कितने टाइम में रीपे करना है वो अमाउंट, या कितने टाइम में वो सर्विस गुड्स वगैरह जो है हमें प्रोवाइड करने हैं, तो वो उसके बेसिस पे हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब मैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझाता हूँ, नॉन करंट और करंट का जो कंसेप्ट है। देखिए जो हमारी बैलेंस शीट है, मैंने कहा था कि वो एक दिन की बनती है, और जनरली अकाउंटिंग पीरियड का जो लास्ट दिन होता है, सपोज 31 दिसंबर 2019 फॉर एग्जाम्पल, उस दिन बनी। अब देखिए ध्यान से समझना, 31 दिसंबर 2019 के दिन जो बैलेंस शीट है हमारे बिजनेस की, अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया है, उस लास्ट दिन जो है कहीं ना कहीं हमें लाइबिलिटीज शो हो रही हैं, क्रेडिटर्स 1 लाख, ठीक है, और उसके साथ लिखा हुआ है, उसका जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है जनरली क्या, कि उसका जो पैसा है हमें जो वो दिन है जिस दिन की वो बैलेंस शीट है वहाँ से 12 महीने के अंदर अंदर जो है, मैं जनरली कह रहा हूँ 12 महीने, बाकी ऑपरेटिंग साइकिल अगर छोटी हो तो फिर उतने महीने देखे जाते हैं, तो अगर 12 महीने जनरली के अंदर अंदर मुझे रीपे करना होता है, इसलिए मैं उस चीज़ को जो है करंट लाइबिलिटी जो है डिनोट कर रहा हूँ। और अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी, मैंने किसी बैंक से लोन ले रखा है और वो लोन का 31 दिसंबर 2019 के दिन मैं खड़ा हूँ और मुझे वो लोन रीपे करना है 2022 में, तो ऑब्वियसली 12 महीने से ज़्यादा का टाइम है मेरे पास, तो 31 दिसंबर 2019 की जो बैलेंस शीट होगी, तो वो जो लोन लाइबिलिटी, बैंक लोन जो लाइबिलिटी के रूप में शो हो रहा है, क्या वो करंट लाइबिलिटी में आ रहा होगा हेडिंग में, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, तो क्योंकि वो 12 महीने के बाद जो है मैं रीपे कर सकता हूँ। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक था लाइबिलिटीज़ का वो भी कंप्लीट होता है। एक चीज़ और है लाइबिलिटीज़ के टॉपिक में, एक और बाइफर्केशन है, एक और मतलब क्लासिफिकेशन है, कि हमें बेसिकली जो लाइबिलिटी है बिजनेस की वो किसके प्रति है, इसके बेसिस पे भी जो है लाइबिलिटी दो तरह से बांटी जा सकती है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बहुत सिंपल है, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की अपने ओनर के प्रति, ओनर ये अगर एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, ओनर है पार्टनरशिप या उसमें कंपनी के केस में, तो ओनर या ओनर्स एज द केस में भी उनके प्रति जो लाइबिलिटी है बिजनेस की उनको हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। क्योंकि काफ़ी हद तक जो है कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो भले ही हम अकाउंटिंग करते वक्त उनको डिफरेंट मान रहे हैं, पर है तो वो बेसिकली कंपनी के मालिक, सॉरी बिजनेस के मालिक जिन्होंने इन्वेस्ट किए, ओनर्स हैं वो, तो इसलिए उनके प्रति जो लाइबिलिटी है उनके लिए एक सेपरेट टर्म हमने बोल दिया है, क्या कैपिटल बोल सकते हो, लेकिन लाइबिलिटी फॉर्म में बोल रहे हैं तो इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हो, ठीक है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो ओनर के प्रति भी जो देनदारियाँ होती है बिजनेस की वो लाइबिलिटी साइड ही लिखी जाती है कैपिटल हेडिंग में, या फिर नेटवर्थ हेडिंग में, या कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स फंड्स बोल सकते हो उस चीज़ को, या एक्विटी जो है बोल सकते हो, तो बेसिकली अलग अलग नाम हैं। तो ये इंटरनल लाइबिलिटी है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो बहुत कॉमन है, आपने बिजनेस के बाहर के जितने भी लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं, और जो है और सप्लायर्स होते हैं, और बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने जिनसे आपने लोन वगैरह ले रखा है, ये सारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं, ओनर्स नहीं हैं बिजनेस के, तो इसलिए जो है ये आउटसाइडर्स हैं, तो आउटसाइडर्स के प्रति जो है लाइबिलिटी है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो लाइबिलिटी का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे चाहे कितना भी बारीक सा बारीक डाउट हो मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूँगा या तो मैं कमेंट पे जवाब दूँ, और जो है कहीं ना कहीं या तो नहीं, मुझे लगता है कि उस पर वीडियो बननी चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना के उसका लिंक मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा उस कॉमेंट पर, ठीक है। तो ज़रूर मुझे बताना आप, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चे की अपनी नीड होती है, तो मुझे लगता है कि
अगर आपको ये चीज़ जो है हल्की फुल्की जो है अभी कंफ्यूजिंग लग रही है, तो आप ये मत सोचना कि आपका फॉल्ट है, वो एक तरह से मेरा फॉल्ट है। तो आप मुझे ज़रूर लेकिन एक बार कमेंट में बता देना कि हाँ ठीक है यार, इसमें जो है थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत है अभी। तो आप बस मुझे इतना बोल देना, मैं उसका कुछ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ओके। तो हमने बेसिकली क्या क्या डिस्कस कर लिया? बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अकाउंट, ड्राइंग्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, असेट्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। मैं बोल सकता हूँ कि हमने डेप्रिसिएशन भी जो है डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं रिसीट्स की। रिसीट्स बहुत सिंपल है। अभी ना आगे के बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो 30-30 सेकंड में निकलेंगे। रिसीट्स भी एक ऐसा है। रिसीट्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी वजह से आपने चाहे सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज करी हो, या आपको किसी और वजह से आपको असेट बेचा हो आपने, या कुछ और बेचा हो, मशीनरी बेची हो, किसी भी वजह से अगर जो है बेसिकली आपको कोई पैसा मिला है या मिलना है अभी फ्यूचर में, तो वो बेसिकली जो पैसा मिला या मिलना है उसके लिए एक वर्ड दे रखा है, सिंपल रिसीट्स। बहुत सिंपल है। तो नॉर्मल कोर्स में जो है कहीं ना कहीं बिजनेस को जो भी पैसा मिला है या मिलता आ रहा है, जो मिलना है अभी फ्यूचर में, उनके लिए कॉमन वर्ड है रिसीट्स। रिसीट जो है बेसिकली दो तरह से, कि मतलब जो वो जो पैसा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, किस वजह से आपको वो पैसा मिलना है, इसके बेसिस पे रिसीट्स का जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। देखिए, रेवेन्यू और कैपिटल दो ऐसे शब्द हैं जो अकाउंटिंग में आप कई बार सुनोगे। तो इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू हम तब बोलते हैं जब वो चीज़ डे टू डे नेचर की है, रूटीन नेचर की है, नॉर्मल कोर्स की है, और मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये तो हो गई, बिजनेस करें तो ये तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को होंगी होंगी। तो उस तरह की ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस। तो कभी भी किसी चीज़ के पीछे अगर रेवेन्यू लगता है, तो जनरली उसका मतलब अकाउंटिंग में ही हो जाता है कि नॉर्मल कोर्स में, बिजनेस में, डे टू डे में होने वाली ये चीज़ है, ठीक है? कैपिटल अगर किसी चीज़ के पीछे लग रहा है, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रेकरिंग नेचर की नहीं होती, वो हम कभी कभी करते हैं, और उनका ट्रीटमेंट भी जो है थोड़ा सा हम स्पेशल तरीके से करते हैं, या स्पेशल तरीके से नहीं करते तो एटलीस्ट उसको बाइफरकेट करके रखते हैं कि हाँ ये कैपिटल नेचर की चीज़ थी, जो या तो बहुत बड़े अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, या ये कभी कभी होती है, रेकरिंग नेचर की नहीं है, नॉर्मल कोर्स की नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो रिसीट्स में अगर हम बात करें कि रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट, तो रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली जो पैसा आपको मिला या मिलना है, लेकिन वो इसलिए मिलना है क्योंकि आपने नॉर्मल जो कोर्स की चीज़ें हैं, जो बिजनेस की आपकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, जो रेकरिंग नेचर की हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सबसे मेन, तो उसकी वजह से अगर आपको ये पैसा मिला या मिलना है तो वो होती है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है? और अगर आपको कोई ऐसा वजह से पैसा मिला है मिलना है, जैसे आपने अपने एसेट बेचे या इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो वो चीज़ जो ऐसी है जिसकी वजह से, वो चीज़ ऐसी नहीं जो रेकरिंग नेचर की है, वो कभी कभी होती है। ये नहीं कि वो हर साल आप अपने एसेट बेच देते हो, ऐसा नहीं होता। कभी 3-4 साल में जब एसेट बिल्कुल ही वॉर्न आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो जाके आप बेचते हो। इन्वेस्टमेंट भी जब बिल्कुल ही पैसे की एकदम से जरूरत आन पड़ी है और लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं, मतलब इमीडिएट कैश, रेडी कैश हमारे पास नहीं है, तो जाके इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो रखने की चीज़ है सालों साल। तो इसलिए ये होता है हमारा कैपिटल रिसीट्स। तो इसी के साथ हमारा रिसीट्स का टॉपिक जो है वो होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एक्सपेंडिचर। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि खर्चा। लेकिन ये थोड़ा सा इतना आसान टॉपिक, मतलब आसान तो है लेकिन इतना छोटा टॉपिक नहीं है, आप समझिए। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि किसी भी तरह से आपने जो है पैसा खर्च किया है किसी चीज़ पे, आपको जो है पैसा दे दिया है आपने या पैसा देना है, लेकिन आपको मतलब जो है आपके ऊपर एक चीज़ हो गई है कि आपको किसी चीज़ की वजह से, कोई रिसोर्स आपने या तो जो है खरीद दिया है कुछ, किसी भी वजह से आपको पैसा देना है किसी को, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर जो है लेकिन दो तरह के होते हैं। ये जब टॉपिक अब आप समझ जाओगे तो आपको असेट्स की भी जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है? देखिए, बिजनेस जो है जब भी खर्चा करता है तो उसको मैं जनरली बोलता हूँ एक्सपेंडिचर कर रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, लेकिन वो खर्चा किस चीज़ पे हो रहा है, और वो जो चीज़ खर्चा करके हम एक्वायर कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे को कितने टाइम तक बेनिफिट देगी, इस बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर है कहीं ना कहीं दो तरह का होता है। क्या? पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो रेकरिंग नेचर के नहीं होते, और कहीं ना कहीं इसमें जनरली बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, और इससे हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो सालों साल हमारे साथ रहेंगी। ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए वो खर्चे से जो भी हमने चीज़ की तो वो कुछ टाइम के लिए हमें फ़ायदा देगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ऐसी नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम ऐसे खर्चे कर रहे होते हैं जिनसे हमारा पर्पज़ होता है ऐसी चीज़ें एक्वायर करना जो सालों साल हमें मदद करेंगी।
अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जर्नली जो सालों साल हमें कहीं ना कहीं मदद करती है, हमें फ़ायदा पहुंचाती है हमारे बिजनेस को सालों साल? फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स या नॉन करेंट असेट्स? तो आप ये कह सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है बेसिकली उससे कहीं ना कहीं रिजल्टेंट उसका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस के पास क्या आता है जनरली असेट्स, और उसमें भी कौन से असेट्स? फिक्स्ड असेट्स, या उसको आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म असेट्स या नॉन करेंट असेट्स, ठीक है? तो आप ये समझिए कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, तो उसको हम उस साल के नॉर्मली जो हम खर्चे जहाँ दिखा रहे होते हैं वहाँ नहीं दिखाते, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करा हमने, तो क्योंकि उससे हमें जनरली फिक्स्ड असेट्स आए हैं, तो वो फिक्स्ड असेट्स तो हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में असेट साइड शो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी हम करते हैं, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप चाहे रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। अगली बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल है, ऐसे खर्चे जिसकी वजह से हम उन चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज पे जिनका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें जब हमने खर्चा किया वहाँ से 12, 13, 14 महीने, मतलब जनरली 1 साल के विदिन जो है हमें वो चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा, या जिस चीज़ पे हमने जो खर्चा किया था वो चीज़ पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगी बिजनेस में 12 महीने के अंदर अंदर ही। सपोज रॉ मटेरियल खरीदा, वो कंज्यूम हो जाएगा, पूरा यूज़ हो जाएगा प्रोसेसिंग में, तो या गुड्स खरीदे तो हम जनरली मानते हैं कि वो बिक जाएंगे, तो गुड्स पे जो खर्चा हम करते हैं वगैरह, परचेजेस जैसे हम करते हैं, हम जो है रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम सैलरीज देते हैं, तो वो भी उस अकाउंटिंग पीरियड के फायदे के लिए हमने बदले में दे दी, तो वो उसका कोई ऐसा नहीं कि सालों साल उसका फायदा मिल जा रहा है, नहीं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ऐसे खर्चे होते हैं जिनका फायदा हमें अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि ये बोलो कि खर्चा जब किया तो जनरली उसके 12 महीने के विदिन ही जो है मिल जाना है, ओके? तो ऐसे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको हम कहाँ शो करते हैं? इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप एक्सपेंस भी बोल सकते हो, आगे एक्सपेंस का टॉपिक है लेकिन बिल्कुल सिमिलर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस ही होता है, यानी कि ऐसा खर्चा जिसका फायदा 12 महीने के विदिन ही, या ये बोल लो कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इस वक्त, सपोज 2017-18 की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक, तो उसी दौरान जो है बेसिकली वो एक ऐसा खर्चा है कि उसी दौरान उसका फायदा मिल चुका है, ठीक है? उसी दौरान खर्चा हुआ और उसी दौरान उसका फायदा मिल चुका है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या उसको बोल लो वो एक्सपेंस है। और ये कहाँ शो होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उस अकाउंटिंग पीरियड के जितने भी खर्चे और रेवेन्यू होते हैं वो हम जो है वहाँ पे शो करते हैं। डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं खर्चे, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस बोल लो, और जो क्रेडिट साइड यानी कि राइट हैंड साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, वहाँ पे हम शो करते हैं जो बेसिकली हमें जो 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 पैसा आ रहा होता है, जो जिस जो बेसिकली जो इनकम हमने बेसिकली अर्न करते जा रहे हैं, रेवेन्यू अर्न करते जा रहे हैं, ठीक है? चाहे सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज के बेसिस पे या कोई और वजह से, इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट मतलब मिल रहा है, या डिविडेंड मिल रहा है, या कमीशन मिल रही है इस तरह से, या डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये इस तरह के और भी मतलब जो रेवेन्यू में एडिशंस होती हैं इन आइटम्स की वजह से। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सपेंडिचर का जो टॉपिक था जिसमें हमने दो तरह के एक्सपेंडिचर डिस्कस किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कंप्लीट होता है। अब एक और खास तरह का एक्सपेंडिचर है, जैसे हमने अलग से वहाँ पे असेट के वक्त हमने समझा था फिक्टिशियस असेट, तो फिक्टिशियस असेट से ही कहीं ना कहीं रिलेटेबल कह सकता हूँ मैं, बाकी मुझे लगता है कि रिलेटेबल है। एक टॉपिक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक एक्सपेंडिचर ही होता है, हमने खर्चा किया है लेकिन वो एक ऐसा खर्चा होता है जो होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, मतलब वो एक ऐसा खर्चा है जर्नली मैं हर साल उस तरह का खर्चा करता हूँ, पर कई बार क्या होता है इस तरह का खर्चा किसी साल बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि हम पूरी तरह उसी साल राइट ऑफ नहीं करते, मतलब एक्सपेंस की तरह शो नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, हम थोड़ा सा करते हैं और थोड़ा सा जो है बेसिकली बाकी जो है फिलहाल असेट साइड रख देते हैं फिक्टिशियस असेट नाम से, और वो बाद में राइट ऑफ कर देते हैं आने वाले सालों में, जब थोड़ा सा मतलब ठीक लगेगा कि हाँ अब बाकी और खर्चे थोड़े कम है तो इस साल बाकी जो बचा हुआ वो अब राइट ऑफ कर लो। तो इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या होता है, ये होते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हैं कि मतलब इस तरह के खर्चे साल दर साल होने ही हैं, जैसे हमने किसी एक्टर वगैरह को फीस दे दी लेकिन कभी कभी ज़्यादा फीस देनी पड़ जाती है, तो उस साल में वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है, क्योंकि उस साल हम थोड़ा पोर्शन डेफर कर देते हैं। डेफर करने का मतलब डिले कर देते हैं कि यार इसको राइट ऑफ थोड़ा जो बचा हुआ पोर्शन है ना वो अगले साल या 2 साल बाद कर देंगे, तो ऐसे खर्चे होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हमने किया लेकिन उसको थोड़ा पोर्शन दिखाया एज एन एक्सपेंस उस साल के अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और थोड़ा सा बचा के रख लिया, वो बाद में बड़ा अमाउंट है क्योंकि, तो थोड़ा टाइम बाद अगले साल या उसके अगले साल जो है हम शो कर देंगे, और तब तक जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो रहा तब तक वो असेट साइड जनरली शो होता है फिक्टिशियस असेट के रूप में, वो वहाँ पर दर्ज हो जाता है, ठीक है?
तो ये होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी बहुत ही फैंसी टॉपिक है, मतलब काफ़ी कैची टॉपिक है, जो काफ़ी पूछा जाता है। फिक्टिशियस एसेट भी पूछा जाता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग एक्सपेंस, या हमने किसी को मोटी फीस दी है क्योंकि हमने उसे ऐड वगैरह कराया, शाहरुख खान से ऐड कराया सपोज, तो उसका ये बड़ा पैट एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ अगला टॉपिक है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही आप एक्सपेंस बोल सकते हो। एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो बेसिकली भले ही आपने एक्चुअली पे किया हो या ना किया हो, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो भी आप सर्विसेज या जो भी आप फायदे ले रहे हो, तो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उन सर्विसेज या फायदों के बदले में, उन गुड्स के बदले में जो भी आपको पेमेंट्स कर दी हैं, आपने करी हो या ना करी हो उससे में मतलब नहीं है, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करते हैं हम। तो हमें एक्चुअल कैश आउटफ्लो हुआ है कि नहीं हमें नहीं मतलब, लेकिन अगर वो उस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है तो उसको हम जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। जो उस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करने वाला खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। याद रखना भले ही हमने एक्चुअल पेमेंट ना की हो तब भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन जो एक्सपेंस का तो मतलब हमें पता है, लेकिन हाँ इसी से रिलेटेड दो थियोरेटिकल टॉपिक हैं जिसमें से एक हमने समझ चुके हैं, एक हमें समझना है। एक दो टॉपिक हैं जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हम समझ चुके हैं क्या, कि हमने किसी को 300-400 रुपये सपोज देने थे, हमने दिए 600 रुपये, तो जो एक्स्ट्रा दे दिया वो हमारा क्या हो गया, करंट असेट बन जाता है, क्योंकि फ़ायदा हमारे लिए फ्यूचर में कुछ हमें मिलना ही है, तो सर्विसेज वगैरह मिलनी है या गुड्स मिलने हैं, तो वो हमें करंट एसेट के रूप में शो करते हैं। मैंने आपको जो है डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका उल्टा होता है क्या, कि जो है कहीं ना कहीं मुझे किसी को 300 रुपये देने हैं, मैंने 300-600 तो दूर की बात है, 300 भी नहीं दिए, मैंने क्या किया उसको 100 रुपये दिए। अब मैंने यहाँ पे उसको कितने रुपए कम दिए जो मुझे देने चाहिए थे, अभी मैंने 200 रुपये उसको कम दिए। तो यहाँ पे ये जो 200 रुपये मुझे इस पीरियड को बिलोंग करते थे, मुझे पे करने थे इसी पीरियड के दौरान, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो जो आउटस्टैंडिंग रह गया, बकाया रह गया, अभी देना रह गया, अभी भी ड्यू है वो देना, तो वो चीज़ हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो 200 रुपये हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखिए, वो जो 200 रुपये थे भले ही आपने पे नहीं किए, लेकिन बनते तो इसी पीरियड के थे ना, देने इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं ना, तो इसलिए उसको हम कहीं ना कहीं डेबिट करते हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योर करते हैं कि हाँ वो जो 200 रुपये भी हैं भले ही हमने दे ये नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी अकाउंटिंग पीरियड में वो एज अ खर्चा रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, आपको लाइबिलिटी और असेट का मतलब आपको पता है, तो मुझे ये बताइए कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये बिजनेस के लिए असेट होगा या लाइबिलिटी होगा, क्योंकि यार 300 रुपये देने थे, 100 रुपये दिए, 200 रुपये नहीं दिए, फायदा ही नहीं लग रहा। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि ये असेट होगा तो ये गलत है, ये लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली बिजनेस ने ऐसे तो है नहीं कि दिए नहीं तो देने भी नहीं है, देने तो है ही फ्यूचर में, तो उस पर एक बोझ तो है ही ना आज के दिन। तो इसलिए ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जितना पोर्शन है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो शो करते हैं वो 200 रुपये, लेकिन क्योंकि अभी तक दिए नहीं है तो उसको कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी रिकॉर्ड होगा 200 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग सैलरी जो भी, मतलब जो वो आइटम है एग्जैक्टली तो उस नाम से होगा। अच्छा एक चीज़ और है, प्रीपेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए एसेट तो है, वो एसेट साइड शो हो गया, सपोज 300 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 300 के बजाय 600 दे दे तो 300 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, लेकिन क्या वो जो एक्स्ट्रा 300 रुपये दे तो दिए, क्या वो इस पीरियड को बिलोंग करते हैं? नहीं, वो तो अगले टाइम के हमने अभी दे दिए ना, वो तो हम नहीं देते तो भी चल जाते, तो हमने दे दिए और रिकॉर्ड हमने सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कहीं ना कहीं खर्चा है वो 600 से कर रखा है, तो क्या 600 से करना चाहिए था, ये एक्चुअली इस पीरियड का जो 300 था उसी से करना चाहिए था, 300 से ही करना चाहिए था, और कर रखा है वहाँ पे एक्सपेंस शो कर रखा है देखा तो 600 रुपये, तो कितना एक्स्ट्रा हमने रिकॉर्ड कर रखा है एक्सपेंस, 300 रुपये जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप बहुत आगे हम जो एडजस्टमेंट वाले चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत ईजी है जो हम आज समझ रहे हैं, कि क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग नहीं करता, वो हमने बाद का दे दिया है, तो उसको हम क्या करते हैं तब रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड को बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे 600 रुपये रिकॉर्ड कर दिया ना, कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट करेंगे और माइनस कर देंगे 300 रुपये जो कि था प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, और वो उस पीरियड में रिकॉर्ड होगा एज एन एक्सपेंस जिस पीरियड को वो एक्चुअली बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, देखिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखे सोचें भी और सुनते रहेंगे और इमेजिन भी लगातार करते रहेंगे
और अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे, अभी नहीं समझ आए कोई बात नहीं, कल ये पोर्शन दोबारा देख लो उसमें क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको एकदम से बत्ती जलेगी। ये चीज़ें ऐसी होती है, क्लिक होती है एकदम से कि यार अच्छा, यार अच्छा ही तो इतना आसान था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसलिए अगर अभी नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो, नहीं आए कोई बात नहीं, कल परसों दोबारा समझ लेंगे, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता दो कि ये बहुत हो गया, आप नहीं समझा पा रहे इसको, ये नहीं समझ आ रहा हमें, तो मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से एग्जाम्पल के साथ जो है कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस पे। हालांकि वैसे इसकी बात हमें जर्नल जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी होगी, ठीक है, इसकी अकाउंट जर्नल एंट्री जो है कैसे होती है हम वहाँ पर दोबारा से डिस्कस करेंगे, किसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को और प्रीपेड एक्सपेंस को। तो चिंता की बात नहीं है, पेशेंस रखिए आराम से, ठीक है, ओके। तो एक्सपेंस का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, अब हम समझते हैं अगला टॉपिक, वो है शायद आपकी बुक में ना हो लेकिन वो है रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू का मतलब क्या है, जो टोटल पैसा आप रिसीव कर रहे हैं बिजनेस में, मतलब किसी भी तरह से हो, चाहे आपको वो सेल ऑफ गुड्स की वजह से मिल रहा है, या आपको कमीशन की वजह से वो चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि कमीशन रिसीव्ड, या आपको किसी जगह आपने इन्वेस्ट कर रखा था बिजनेस में, वहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट्स मिली हैं, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट उन्होंने किया आपको रिसीव हुई है, या आपको किसी ने डिविडेंड दिया है क्योंकि आपने किसी कंपनी के, आपके बिजनेस ने किसी कंपनी के से वो शेयर्स खरीद रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सारा पैसा हमें रिसीव हो रहा है ना, ये सब कुछ होता है क्या, रेवेन्यू, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि ये जो है इंटरेस्ट की वजह से मिला है या डिविडेंड या सेल ऑफ गुड सर्विसेज, इसको कॉमन टर्म बोल सकते हैं रेवेन्यू, ठीक है, या इसके लिए एक और वर्ड है आप इसको बोल सकते हो टर्नओवर भी बोल सकते हो उसको। तो हमेशा देखना कि जो सारा पैसा आप रिसीव करे जा रहे हो वो उसको हम बोलते हैं, उसमें से अभी एक्सपेंसेस मत काटना, वो जो टोटल पैसा है ग्रॉस जो फिगर है जिसमें से एक्सपेंसेस वगैरह अभी बिल्कुल माइनस नहीं किए हैं, वो होता है हमारा रेवेन्यू, ठीक है, या टर्नओवर भी बोल सकते हो, ठीक है, सेल्स भी बोल सकते हो, पर मैं सेल्स नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फिर बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि सेल्स तो गुड्स या सर्विसेज की होगी, तो इसलिए, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ रेवेन्यू और टर्नओवर में सारा पैसा जो आप रिसीव करो किसी भी तरह से बिजनेस करते वक्त, वो सारा रेवेन्यू या टर्नओवर होता है, ठीक है। नाउ मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अब मुझे आपको बताना है इनकम का मतलब। तो बहुत ही सिंपल है, सारा रेवेन्यू पकड़ो चाहे किसी भी तरह से हो, सारा एक्सपेंस पकड़ो चाहे वो बिजनेस की वजह से हो, मतलब बिजनेस ने किसी भी वजह से एक्सपेंस जो बियर किया है अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिकॉर्ड हो चुका है सारे एडजस्टमेंट वगैरह के बाद सही तरीके से, जो उसी अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड को जो बिलोंग करता है वो सारा रेवेन्यू पकड़ो, और वो सारा जो है उसी अकाउंटिंग पीरियड वाला एक्सपेंस पकड़ो। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो फिगर आएगी वो होगी हमारी इनकम। अब ये तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान अगर होता तो मैं इतना जोर दे के नहीं बोल रहा होता। मुझे कहीं ना आपको आज एक चीज़ क्लियर करनी है कि अकाउंटिंग में इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सिंपल है, देखिए ये जो इनकम आई ना, इसमें कहीं ना कहीं इस इनकम में वो पोर्शन भी इंक्लूडेड है जो शायद इंटरेस्ट जो आपको मिला था, डिविडेंड मिला था, या आपने जो है अपने असेट्स बेच दिए थे उसकी वजह से आया था वो पैसा, मतलब वो पैसा बेसिकली जो है कहीं ना कहीं आपने अर्न किया है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से नहीं आया, एज मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी सेल ऑफ गुड सर्विसेज है, तो वो उसके अलावा जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो तो दूसरा जो पैसा और रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड का, वो तो वहाँ से आया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो इनकम है ये कहीं ना कहीं हमको क्लियर पिक्चर नहीं दे रही है, हमारे बिजनेस जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है ये वो नहीं है, इसमें तो बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए बेसिकली जो जिसमें ये जो ओवरऑल जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और टोटल बस हमें जो एक तरह से रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके जो फिगर शो हो रही है वो तो इनकम होती है, लेकिन उसमें से वो पोर्शन केवल जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, जो रेकरिंग नेचर की हमारी एक्टिविटी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जो अर्न किया हमने वो होता है हमारा क्या, प्रॉफिट। तो इनकम में जो है कहीं ना कहीं ऐसी रेवेन्यू वगैरह और ऐसी मतलब चीज़ें भी जुड़ी होती हैं जिसकी जो हमारा मेन काम नहीं है, वो बस हमें इंसिडेंटली जो है मिल गया क्योंकि बिजनेस ने और जगह इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रखी थी, तो इसलिए मिल गया है हमें, वो रिसीव हो गया है, अर्न किया हमने, रिसीव हुआ है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो पोर्शन जब हम हटा देते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन, तो जो हमारा जो रियल जो इनकम होती है, आप ये बोल सकते हो कि इनकम बाय वे ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, वो होता है हमारा क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे गौर करना तो आपको जो है समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि गेन का मतलब क्या है। देखिए गेन एक ऐसा जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट का वो हिस्सा कह सकते हो जो कि मतलब जो है एकदम से हो गया है,
मतलब जो है ऐसा नहीं होता कि उस तरह का जो रेवेन्यू है, उस तरह का प्रॉफिट जो है वो आपको हर साल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, और जनरली कहा जाता है कि एक ये नॉन रेकरिंग इन नेचर तो होता ही होता है, और कहीं ना कहीं इसका जो नेचर होता है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड की एक्टिविटी की वजह से आपको वो नहीं होता। कहीं आपने अपने असेट्स बेचे और आपको लग रहा था कि जैसे बुक वैल्यू अगर 200 रुपये, यानी कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू जो शो हो रही है वो 200 रुपये है, तो वो आपने जो है जब बेचने गए तो आप पूरी तरह से रेडी थे मेंटली कि 200 रुपये जो है वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको उसके 300 रुपये मिल गए तो वो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिला वो कहीं ना कहीं एक ऐसा गेन हुआ, एक ऐसा प्रॉफिट हुआ ये कह लो कि जो है आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो आप कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि गेन, इसमें आपको कोई वैसे रिसर्च वगैरह तो कुछ करनी नहीं है, ना इससे हमारी अकाउंटिंग पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो है चाहे गेन हो अकाउंटिंग सेम तरीके से होनी है। तो बेसिकली गेन का बस आप इतना समझ लीजिए कि ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, और जर्नली ये बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है उससे नहीं होता, ये कहीं ना कहीं दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिजनेस करता है, कई कई बार करना होता है उसको, जैसे उसने अपने एसेट्स बेचने होते हैं, या फिर जो है कई बार उसको जो एकदम से बोनस टाइप कुछ कहीं से मिल जाता है, मतलब कुछ ऐसी अचानक से अनएक्सपेक्टेड उसका जो फ़ायदा हो जाता है, जो उसको चीज़ें रिसीव हो जाती हैं, अमाउंट रिसीव हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं गेन। ठीक है, तो गेन जो है कहीं ना कहीं इस सेंस में प्रॉफिट से अलग है कि प्रॉफिट हमें जो है एक्सपेक्टेड होता है कि हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन ऐसा प्रॉफिट, ऐसा जो रेवेन्यू हो रहा है हमें जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था और बस वो लेकिन हो गया है, तो वो हम कहते हैं उसको गेन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं लॉस की, बहुत ही समझने वाली बात है। देखिए मैथमेटिकली अगर बात करें तो बहुत इजी है, लॉस तब होगा जब खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे और जो रेवेन्यू हो रहा है वो कम होगा। तो ऑब्वियसली अगर माइनस वाली चीज़ ज़्यादा माइनस हो गई और प्लस वाली चीज़ हो नहीं रही इतनी, तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो मैथमेटिकली तो यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ना बिजनेस सेंस में या अकाउंटिंग सेंस में इस चीज़ को थोड़ा कंसेप्चुअली समझें। तो लॉस का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ पे एक्सपेंस इनकर किया, मतलब एक्सपेंस जो है कहीं ना कहीं आपने बियर किया, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो बेनिफिट आपको मिलेगा किसी भी सेंस में, चाहे आपको सर्विस मिलनी थी या जो है गुड्स मिलने थे, या किसी भी सेंस में इन रिटर्न जो आपको मिलना था वो आपको जो है मिला नहीं, आपने एक्सपेंस कर दिया, आपने एक्सपेंस को जो है कहीं ना कहीं फेस करा, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको बदले में मिलना था वो अगर चीज़ नहीं मिलती तो वो एक्सपेंस कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, उसी एक्सपेंस को हम बोलते हैं फिर लॉस। ठीक है, और इसमें भी आप एक बात ध्यान रखिएगा कि टेंशन लेने की बात नहीं है, जो जो अकाउंटिंग एक्सपेंस की होती है वही अकाउंटिंग जो है लॉस की होती है। देखिए गेन हो या प्रॉफिट हो दोनों की अकाउंटिंग सेम तरीके से होती है। ठीक है, और जो एक्सपेंस और जो लॉस है दोनों की अकाउंटिंग जो है सेम तरीके से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली हमें जो है सबका जो फ़र्क है आपस में, जो बारीक बारीक फ़र्क है वो बस जो है अगर पता हो तो एटलीस्ट हम कंफ्यूज नहीं होंगे अगर हम इस तरह की चीज़ कहीं एकदम से किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख लिए, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने कहीं फुट नोट में या फिर अंदर ही कहीं जो है कोई आइटम ऐसे देख ली, तो हमें पता होगा कि हाँ यार इसका मतलब अगर अलग से यहाँ पे जैसे गेन लिखा है तो इसका मतलब क्या रहा होगा। तो यानी कि ऐसी चीज़ होगी जो कहीं ना कहीं हर साल नहीं होने वाली, ये बस मैं इसी साल देख रहा हूँ, अगले साल शायद ये चीज़ हो भी ना। ठीक है, ये नॉन रेकरिंग नेचर की चीज़ है। ऐसी जब आप देखोगे लॉसेज तो इसका मतलब है कि बिजनेस ने अपने एंड पे उसके लिए जो एक्सपेंस वगैरह बियर किया था लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए वो चीज़ जो है एज अ लॉस शो हो रही है। ठीक है, तो मैंने सपोज जो है किसी को सैलरी दी 5,000 पहले ही दे दी थी, मैं पहले ही दिन दे देता हूँ महीना शुरू होते ही, अब अगर उस बंदे ने कहीं ना कहीं पूरे महीने मेरे लिए काम किया तो वो चीज़ मैं एज एन एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करूँगा। एक्सपेंस है, एक्सपेंस का मतलब ही क्या होता है कि जो बेनिफिट मैं ले रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं कुछ बियर कर रहा हूँ, तो वो बियर जो मैं कर रहा हूँ वो एक्सपेंस है। लेकिन एक्सपेंस को कहते भी तभी हैं जब मुझे बदले में वो बेनिफिट मिल गया है या मिलना है, पक्का है ये। लेकिन अगर वो बेनिफिट नहीं मिला, यानी कि सपोज मैंने उसको 5,000 दिए आज 1 तारीख को और वो भाग गया, तो वो 5,000 मैंने तो बियर करे ही ना, लेकिन उसको मैं टेक्निकली अब एक्सपेंस नहीं बोलूँगा क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बेनिफिट तो मिला ही नहीं, तो जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही एक्सपेंसिस की तरह रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन नाम क्या आएगा, लॉस। ठीक है, तो लॉसेस के बारे में हमने बात कर ली। अब अगला आइटम है परचेजेस। परचेजेस बहुत सिंपल है, परचेजेस, लेकिन किसी भी परचेज की बात नहीं हो रही, परचेजेस टेक्निकली अकाउंटिंग में तब कहा जाता है उस आइटम को जब हम गुड्स परचेज करते हैं, ऐसे गुड्स जिसको हम बिजनेस में या तो प्रोसेसिंग के लिए यानी कि एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे अपने गुड बनाने में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या अगर हम नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है कि खरीदते हैं और प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के बेचते हैं,
तो सिंपली जो है हम जो है गुड्स जो रीसेल पर्पस के लिए जो है इसलिए जो खरीद रहे हैं हम, तो वो जो हमारा खर्चा होता है वो होता है हमारा परचेजेस। तो परचेजेस एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा, परचेजेस हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ये एक रेकरिंग नेचर का हर साल होने वाला खर्चा है जिसको टेक्निकली हम एक्सपेंस मानते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही जो है रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर जो है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। हल्का सा मैं बता देता हूँ, जो बिज़नेस की मेन बिजनेस एक्टिविटी होती है यानी कि सेलिंग ऑफ गुड्स या प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, तो उसके लिए जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो डायरेक्ट रेवेन्यू होता है, वो हम जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और उसके अलावा जितने भी इंसिडेंटल जो इनकम जितनी भी हो रही हैं या जितने भी और खर्चे, बहुत सारे जो और खर्चे हैं, सैलरी वेजेस देना, सॉरी सैलरी देना, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, तो वो सारे खर्चे भी हम नोट करते हैं, लेकिन टेक्निकली उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले उसके ऊपर बनता है, और उसमें हम जो मेन बिजनेस एक्टिविटी जो है बिजनेस की यानी कि सेलिंग से जो हमें रेवेन्यू हुआ वो लिखते हैं, और जो उसको जो चीज़ हमने सेल करी उसको खरीदने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें खर्चा हुआ वो लिखते हैं। तो ये दोनों को कंपेयर करके हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बाकी खर्चे होते हैं ऑफिशियल कहीं ना कहीं ऑफिस के और जो खर्चे होते हैं या जो और इंसिडेंटल इनकम हमें जो भी हुई हैं उसको फिर जो फर्दर जो रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फाइनली हमें मिलता है फिर क्या मिलता है हमें नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये साइकिल होती है, अगर आपको जैसे समझ आ गया हो, आपने देख रखा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बहुत अच्छा है, आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे लेसन्स में इसको अपने अपने लेसन बने हुए इनके। तो फाइनल अकाउंट्स करके जो लेसन है उसमें हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह जितनी भी जो पूरी जर्नी होती है अकाउंटिंग की, हम डिटेल में समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें हम जो है ध्यान रखते हैं, और क्या क्या सिचुएशंस जो है राइज होती हैं, और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली परचेजेस की, परचेजेस एक नॉर्मल एक एक्सपेंस है, इसको लाइबिलिटी मत मानना, ठीक है। परचेजेस जो है बिजनेस जो परचेजेस कर रहा है यानी कि गुड्स या फिर जो रॉ मटेरियल वगैरह, और फाइनली उसको यानी कि रीसेल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं हम, वो हम फिक्स्ड एसेट्स रखने के लिए या करंट एसेट्स रखने के लिए नहीं, हमारा जो बेसिकली उसको रीसेल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तभी वो परचेजेस बोली जाएगी। अगर मैंने कैलकुलेटर खरीदा है अपने बिजनेस में सिंपली यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो वो मेरा असेट है, लेकिन टेक्निकली उसको मैं परचेजेस में नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं हम ये ध्यान रखनी है हमें, हालांकि अगर वो कैलकुलेटर का यूज़ हमें केवल जो है कुछ ही महीनों का ही होगा और वो चीज़ फिर ख़राब हो जानी हमें लगता है, एक साल का यूज़ है, तो फिर उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिसलेनियस खर्चों में दिखा देते हैं, स्टेशनरी के खर्चों में दिखा देते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर परचेजेस आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमने गुड्स खरीदे हैं रीसेलिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। नाउ परचेजेस जो होते हैं वो कैश परचेजेस भी होती है या क्रेडिट परचेज भी हो सकती है, बहुत सिंपल है। बेसिकली कैश परचेज होता है यानी कि हमने परचेज किए गुड्स और इमीडिएटली पेमेंट कर दी, और क्रेडिट परचेज का मतलब है कि मैंने गुड्स परचेज किए और पेमेंट जो है फ्यूचर डेट पे होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं क्रेडिट परचेज करता हूँ तो जो सामने वाला वेंडर है, जो सप्लायर है जिससे मैंने उधार पे लिया, वो मेरे बिजनेस के लिए वो बन जाएगा मेरे बिजनेस के लिए मेरा क्रेडिटर, और क्योंकि मुझे उसे फ्यूचर में अभी पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर खुद ही बताओ कि बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, असेट या लाइबिलिटी, हमें पैसे देने हैं उसको फ्यूचर में, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। तभी जो है आप बैलेंस शीट जब भी देखोगे तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर आपको दिखेंगे, और क्रेडिटर कब अराइज होते हैं, जब हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं, ठीक है, हम यानी कि बिजनेस, ओके। कई बार लेकिन ये होता है, अगला आइटम है परचेज रिटर्न, या परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड। क्या होता है कि कई बार हम परचेज करते हैं लेकिन जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हमें मतलब की नहीं लगती है, डिफेक्टिव लगती है, जो हमने मांगी थी चीज़, मंगवाई थी, ऑर्डर किया था, वो चीज़ नहीं आती, तो हम जो है कहीं ना कहीं उसको वापस कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, कि मतलब बाहर की तरह हमने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड। अभी इसको कंसेप्चुअली आप इतना ही समझिए, बाकी इसकी अकाउंटिंग वगैरह कैसे होती है इसको हम जर्नल में समझेंगे, ठीक है, जर्नल वाले टॉपिक में, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स बहुत सिंपल है, जो हमारा काम है मेनली, जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, सेल करने में हम डील करते हैं, उनको बेचने से जो हमें बेसिकली हमने अर्न किया है, भले ही हमें वो रिसीव हुआ है अभी या नहीं हुआ है, लेकिन उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो हमने उसको बेचने से प्रोवाइड करके सर्विसेज को जो अर्न किया है, तो वो होता है हमारा क्या अमाउंट, सेल्स, ठीक है। और सेल्स रिटर्न जो एक और टॉपिक है वो क्या है,
कि अगर जो है कहीं ना कहीं जो हमने सेल किया, अगर उस बंदे को डिफेक्टिव लगाया, उस बंदे को लगा कि ये तो मैंने नहीं मांगा था, तो वो वापस कर देगा हमें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि हमने सेल करी थी लेकिन वो वापस आ गया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है, या रिटर्न इनवर्ड। क्यों? क्योंकि हमने वो सेल करी थी, वो बाहर गया था बिजनेस के, लेकिन अब वो वापस आ गया क्योंकि उस बंदे ने वापस कर दिया। तो हमारे बिजनेस के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, तो वो जो सेल करके वापस आ गया वो हमारे बिजनेस के अंदर आ गया, तो इसलिए सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है, अंदर की तरफ वो चीज़ आ गई जो हमने बेची थी लेकिन वापस उसने दे दी सामने वाले ने। ओके, सेल्स भी जो है याद रखिएगा कि दो तरह की हो सकती है, कैश सेल्स जिसमें हम सेल करते हैं बंदा हमें इमिजिएटली पैसा दे देता है, और जो है एक होती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब कि हमने जो है सेल करी लेकिन उस बंदे ने अभी पैसे नहीं दिए, तो जब ऐसा होता है तो अराइज होते हैं क्या, वो बंदा मुझे पैसा देगा फ्यूचर में, वो बंदे को हम जर्नली बोलते हैं डेटर्स, DEBTORS, ठीक है, डेटर्स, डेटर्स, कुछ भी बोलो, जो मन कर रहा है आप बोलो, बेसिकली मैं ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे जो है ज़्यादा फोकस वगैरह करता नहीं हूँ, जो मन कर रहा है उस चीज़ को आप बोलो, ठीक है, डेटर्स बोलने का मन है वो बोलो, ठीक है। अगला आइटम है गुड्स। देखिए गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है, जो भी चीज़ें मैं रीसेल पर्पज़ के लिए जो है कहीं ना कहीं एक्वायर करता हूँ, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कहीं ना कहीं मेरे फिनिश गुड्स हों, अगर मैं बने बनाए खरीद रहा हूँ या उसको बना रहा हूँ, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, वो चीज़ जो बेसिकली मेरा काम जिस चीज़ में डील करने का है, तो ऐसी जो टेंजिबल आइटम्स हैं जिसको मैं कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता हूँ, बेचता हूँ, ठीक है, या फिर एक्वायर करता हूँ ताकि फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड बना के मैं उसको बेचूँ, तो ये सब जो सारी फिजिकल आइटम्स हैं इनको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये गुड्स है कि नहीं मेरे लिए, वो इस पर डिपेंड करेगा कि मेरा काम किस चीज़ का है। अगर मेरा काम कैलकुलेटर बेचने का और मैं कैलकुलेटर खरीद रहा हूँ तो वो मेरे लिए गुड्स है, लेकिन मेरा काम जो है कुछ और है, बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बुक्स बेचने का है, कैलकुलेटर का मैं कोई डील नहीं करता, मैं बेचता नहीं हूँ, लेकिन कैलकुलेटर खरीद रहा हूँ मैं अपने बिजनेस के लिए, तो तब वो गुड्स नहीं कहा जाएगा, तब वो सिंपली एक करंट असेट बोला जा सकता है, ठीक है। या अगर उसका मतलब जो है यूज़ बहुत ही कम टाइम के लिए हो रहा है, खरीदने से 12 महीने के अंदर ही वो ख़त्म हो रहा है और हमें लग रहा है, तो उसको एक नॉर्मल एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लिया जाता है स्टेशनरी के खर्चों में, ठीक है। ओके नाउ, तो गुड्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्टॉक की या इन्वेंट्री की। तो स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसा जो गुड्स बेसिकली हमारे पास अभी जो हैं, और बेसिकली उसको या तो हमने अभी यूज़ नहीं किया हुआ है अगर वो रॉ मटेरियल है, या अगर वो फिनिश गुड्स हैं लेकिन अभी तक वो बिके नहीं हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्टॉक, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, स्टॉक बोल लो या इन्वेंट्री बोल लो, और जो है बेसिकली ये रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है और ये फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक भी हो सकता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक कब होगा, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ, लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न हूँ, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो क्या होता है केवल फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता होगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, वो क्या होता है कि ऐसी जो आइटम्स हैं, यानी कि मैं फिनिश्ड गुड्स बनाने के जो है सफ़र में निकला हूँ लेकिन अभी बने नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ रॉ मटेरियल भी नहीं रह गई है, उसमें प्रोसेसिंग काफ़ी हो गई है, तो जो बीच मझधार में जो कहीं ना कहीं फिनिश गुड्स अभी बने नहीं है लेकिन बनने वाले हैं, उसको मैं बोलता हूँ वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं स्टॉक है ही, तो इसको भी जो है रिकॉर्ड किया जाता है और वो वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक बोला जाता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी काम हो चुका है लेकिन अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है और अभी भी उसको फिनिश गुड्स नहीं बोल सकता, तो उस चीज़ का भी स्टॉक जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास आपको दिख सकता है। तो ये जो स्टॉक है ये करंट एसेट के रूप में बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, करंट एसेट नीचे स्टॉक, बेसिकली वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो वहाँ पे ये जो स्टॉक है इसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, तो हमने जो उसके लिए कॉस्ट बियर करी है, या फिर उसका आज के दिन हमें क्या लग रहा है कि अगर हम आज उसको बेचने जाएं तो हमें कितना अमाउंट मिल सकता है, तो जो दो अमाउंट होंगे उसमें से दो कम वाला अमाउंट होगा आपको उस पर रिकॉर्ड करना है स्टॉक को। और ये बेसिकली एक समझदारी वाली वाली बात है कि आप जो है कहीं ना कहीं अगर आपको आज ही पता है कि हाँ कोई नुकसान आप देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको फिर जो है आप आज ही जो है कंसिडर करो, और इसलिए अगर मैंने उस चीज़ के लिए सपोज़ ख़रीदने के लिए उस स्टॉक को मैंने ख़रीदा था, 400 रुपये खर्च किए थे, पर आज के दिन मुझे पता है, आज ही के दिन जब मैं फाइनली बैलेंस शीट क्रिएट कर रहा हूँ कि वो चीज़ मार्केट में 400 की बिकी नहीं सकती, 380 की मैक्सिमम बिक सकती है, तो उसको मैं 400 रुपये नहीं 380 पर रिकॉर्ड करूँगा, और बेसिकली इसको बोलते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करूँगा, अगर वो कम है तो, जो भी मतलब जो भी कम है उस कम वाली वैल्यू पर रिकॉर्ड करूँगा। क्यों? क्योंकि ये समझदारी, ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि आपको जो भी नुकसान अगर आप आज देख पा रहे हैं, तो नुकसान को हमेशा जो है कंसिडर करके उस चीज़ को अकाउंटिंग उसकी जो है करनी है हमें, और अगर आपको आज फ़ायदे दिख रहे हैं तो उसको लेकिन जो है इग्नोर करना है, ठीक है। मतलब जो है कहीं ना कहीं वही जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि यार सेफ साइड चलो, कि ठीक है 380 में ही, 380 में तो बिक ही जाएगा ना,
तो 400 में बिक गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 380 में आज लग रहा है कि बिकेगा, तो कम वाले पे रिकॉर्ड करो, 380 पे रिकॉर्ड करो नेट रिलाइजेबल वैल्यू। जो रिलाइजेबल वैल्यू आज लग रही है, अगर वो कम है तो कम पे रिकॉर्ड करो, ठीक है। अगर वो ज़्यादा लग रही है तो भी, लेकिन फिर जो है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो तब, कि अगर सपोज नेट रिलाइजेबल वैल्यू 430 रुपये है, तो 400 पे मेरी कॉस्ट है, 430 रुपये रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू दिख रही है, तो किस पर रिकॉर्ड करें? 400 पे। क्योंकि हमेशा हमें जो भी नुकसान है उसको कंसिडर करना है, फ्यूचर और बेनिफिट जो है उसको इग्नोर करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर फ्यूचर में बेनिफिट हो गया तो ज़्यादा खुशी होगी, पर जो है आज ही मैंने सोच लिया नहीं 430 में ही बिक जाएगा, 430 में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो फ्यूचर में अगर नहीं बिक पाया तब लॉस जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे, उससे क्या फ़ायदा है? तो इसलिए कम पे रिकॉर्ड करना आज की ये समझदारी है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारी स्टॉक की बात, और अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जिन गुड्स या सर्विसेज में आप डील करते हो उनको जब आप बेचते हो उधार पे, तो सामने वाला बंदा बेसिकली जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको पेमेंट देगा, तो आपके लिए वो असेट है। पहली बात तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है इसकी वजह से क्या है, असेट है। जनरली इसको हम करंट असेट में जो है मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बैलेंस शीट के दिन जब हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करें वहाँ से 12 महीने के विदिन तो पैसा आ ही जाएगा, ठीक है। तो करंट असेट मानते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स को, क्योंकि हमने उधार पे गुड्स या सर्विसेज जो है दी हैं और उसके बेसिस पे हमें जो है पैसा भी मिलना है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल। अब देखिए, डेटर्स अब कब बोलते हैं और बिल्स रिसीवेबल कब बोलेंगे? अगर सिंपली ओरल प्रॉमिस किया है सामने वाले ने, हाँ बोल दिया है कि हाँ पैसे दे दूंगा, तब तो उसको जो है उसके हम डेटर्स नाम से ही जो रिकॉर्ड करते हैं। और अगर उस बंदे ने एक तरह से अभी आप इतना समझ लीजिए कि रिटर्न प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके कहीं ना कहीं रिटर्न तरीके से उसने प्रॉमिस किया है कि हाँ यार मैं दे दूंगा, तो जो है कहीं ना कहीं वो उसको हम डिफरेंटली जो है नाम से पुकारते हैं, उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। लेकिन बिल्स रिसीवेबल वगैरह इसके लिए जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है, लेसन है पूरा, बहुत ही वास्ट, बहुत ही अच्छा डिटेल्ड लेसन है, उसमें इस चीज़ को हम जो है बहुत ही डिटेल में खोल के डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज, सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे, किसमें, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीज़ें आती हैं, ओरल प्रॉमिस किया उस बंदे ने पेमेंट करने का तो डेटर, और रिटर्न प्रॉमिस किया किसी तरह से, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर प्रूफ है आपके पास, यानी कि रिटर्न प्रूफ है, तो उसको हम बोलते हैं कि आपके पास क्या है अब, बिल्स रिसीवेबल। तब डेटर नहीं, उसको डेटर से कन्वर्ट करके जो है बिल्स रिसीवेबल में जो है कन्वर्ट करके आप उस तरह से रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, असेट है, क्योंकि आपको पैसा जो है फ्यूचर में मिलना है। नाउ ट्रेड पेबल्स बिल्कुल उसके उलट। ट्रेड पेबल्स का मतलब है कि नॉर्मल कोर्स में जब आप जो है बेसिकली परचेजेस करते हो और क्रेडिट परचेजेस करते हो गुड्स या सर्विसेज की, तो आप पैसा दोगे उसको फ्यूचर में, अभी नहीं दे रहे हो, तो आपके लिए वो बंदा जो है वो पूरा जो बेसिकली सामने वाली पार्टी है वो हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल्स। अब उसमें दो चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल। तो आप उसको क्रेडिटर्स तब बोलोगे जब आपने उसको ओरल प्रॉमिस किया है, और आप उसको बिल्स पेबल तब बोलोगे जब आपने उस चीज़ को किसी तरह से रिटर्न प्रॉमिस किया है और आपने रिटर्न प्रूफ जो है कहीं ना कहीं उसके हाथ में दिया है कि हाँ मैं जो है तेरे को पेमेंट करूँगा ही करूँगा, तो तब आपके लिए वो चीज़, आपके लिए वो चीज़ क्या है, बिल्स पेबल। अच्छा, उसकी तरफ से देखो, आपके लिए वो बिल्स पेबल है, वो अपनी अकाउंटिंग कर रहा होगा सामने वाला बिजनेस, तो उसके लिए वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके लिए कोई डेटर है, ऐसा बंदा जिससे आपने पैसे लेने हैं, तो आप तो डेटर के रूप में उसको असेट दिखाओगे, और वो बंदा जो है अपने आप पे, क्योंकि वो पैसे देगा हमें, तो जो है वो अपनी बैलेंस शीट में जो है उस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं किस तरह से दिखाएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब जो है अगर आप सोचो तो टू वे हमेशा चलती है अकाउंटिंग, तो हमेशा क्या होता है, अभी जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें क्या होगा, दो पार्टीज के जो क्वेश्चन होगा, आपको कई बार बोला जाएगा इसकी भी बुक्स बनाओ, यानी कि इसकी भी अकाउंटिंग वगैरह करो, जर्नल एंट्री पास करो, और इसकी भी करो। तो आप जो है कहीं ना कहीं हमेशा ये चीज़ कॉन्शियसली सोचा करो कि कोई भी चीज़ अगर मेरे लिए असेट है तो वो उसके लिए लाइबिलिटी है। इतना अगर आपके दिमाग में चलेगा ना, तो आपको दोनों बुक्स बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो ट्रेड पेबल्स वाला जो टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और अगली चीज़ है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या है? ये वाउचर वो वाउचर नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि आपको कोई कूपन टाइप मिल गया और उसके बेसिस पे आप डिस्काउंटेड प्राइस पे या फ्री में जो है कोई गुड्स या सर्विसेज जो है किसी शोरूम वगैरह से आप जो है खरीदते हो, ये वो वाउचर नहीं है। यहाँ पे अकाउंटिंग में वाउचर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो भी आप ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसको जो है कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्ड तो आप जैसे करते हो तो जर्नल वगैरह में जो है आप रिकॉर्डिंग करते हो उसकी प्रॉपर एंट्री होती है जर्नल एंट्री फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन बेसिकली जर्नल एंट्री भी किस चीज़ को देख के करोगे,
तो आप क्या होता है, जैसे ही सेल या परचेज या कुछ भी होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उसका एक रिटर्न प्रूफ रखा जाता है एक एविडेंस के रूप में, और वो सारे प्रूफ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको देख देख के ही, बेसिकली उनको रेफर कर करके ही जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जितने भी एविडेंस होते हैं, रिटर्न एविडेंस होते हैं, ट्रांजेक्शन के जो प्रूफ्स होते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन हैपन हुई है जिसको हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल में, फिर क्लासीफाई करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे लेजर के अंदर, तो बेसिकली उसके स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनवॉइस आप जनरेट करते हो, या फिर जो है नॉर्मल एक कैजुअल मेमो प्रिपेयर करते हो, या डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करते हो, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अलग अलग वाउचर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वाउचर अपने आप में क्या है, एक ट्रांजेक्शन हुई है उसका एविडेंस, उसका प्रूफ, रिटर्न प्रूफ, ठीक है। इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है, हालांकि इतना मार्क्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से आपको ये चीज़ दिखती है, तो इस चीज़ को भी हम काफ़ी डिटेल में, ये जो चैप्टर है वाउचर्स का, ये हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आप देखिएगा हमारी जो प्लेलिस्ट है काउंटिंग की, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ जो हमारा वाउचर था, वो वाला जो हमारे आइटम है, वो डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट की बात हम आराम से करते हैं ज़रा, क्योंकि डिस्काउंट की आगे अभी हम कंसेप्चुअली समझेंगे, और आगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है वो भी हम आगे समझेंगे जब जर्नल वाला लेसन करेंगे, और जो कैश बुक वाला लेसन होगा वो भी जब करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, ऐसे देखा जाए तो आपके रियल लाइफ से ही जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है, कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जितने की वो चीज़ है मुझे उससे कम पैसे देने पड़ते हैं, तो जितने मुझे कम पैसे देने हुए, कि मतलब 10 की चीज़ के लिए मुझे 8 देने पड़ रहे हैं, तो जो है 2 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट। बहुत ईजी है। अब बस यहाँ पे जो दिमाग लगता है 1 मिनट जो और एक्स्ट्रा लग जाता है, वो ये होता है कि डिस्काउंट के भी टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग में, क्योंकि उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी फिर डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हमें टाइप्स बांटने होते हैं। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पे मेनली 2 तरह का डिस्काउंट की बात करनी है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली जो एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो सभी के लिए एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट होता है, कि अगर आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे ना तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो मतलब जो है क्वांटिटी के बेसिस पे, जनरली वॉल्यूम के बेसिस पे दिया जाता है, तो और स्टैंडर्ड होता है सबके लिए सेम, इस तरह का डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, कि मतलब जो है 3 एक साबुन लोगे ना तो जो है कहीं ना कहीं 20 रुपये की मिलेगी, 2 लोगे तो 40, 3 लोगे तो 60, लेकिन 4 लोगे ना तो 80 ही नहीं 75 की देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट कर रखी है, कि इतनी क्वांटिटी लोगे तो इतना डिस्काउंट हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो ये जो 5 रुपये का डिस्काउंट हम देंगे, अगर लेने वाला लेगा, तो ये किस तरह का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रेड डिस्काउंट काट के जो प्राइस आता है, यानी कि यहाँ पे 75, अकाउंटिंग 75 की होगी, 5 रुपये को ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा वो तो सभी के लिए था ना, तो बेसिकली एक तरह से उतनी क्वांटिटी उसने ली, तो ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं हुई है कि जो है जिसको हम अलग से उस 5 रुपये को रिकॉर्ड करें, सबके लिए था। अगर कोई उतनी क्वांटिटी लेगा तो ठीक है, वो डिस्काउंट जो है हुआ है, कंसेप्चुअली हमने देखा है होते हुए, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट का। जो नेट वैल्यू होती है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद उसी पे जो है जो रिकॉर्डिंग होती है उस अमाउंट पे होती है, ठीक है। ओके, कैश डिस्काउंट। देखिए कैश डिस्काउंट ऐसा होता है कि ये हम सबको स्टैंडर्ड सबको नहीं देते, हम क्या होता है हमारे किसी से रिलेशंस अच्छे होते हैं, या कभी कभी क्या होता है किसी ने पेमेंट करनी होती है वो जल्दी पेमेंट कर देता है, बहुत जल्दी कर देता है, मतलब अगले महीने भी कर सकता था लेकिन वो कल ही आ गया पैसे देने, तो हम जो है यारी दोस्ती में ठीक है यार, मतलब 1000 2000 रुपये चल कम दे दे, कि मतलब 1 लाख की पेमेंट थी, 1000 2000 चल कम दे दे, हो जाएगा कोई बात नहीं चल जाएगा, या 50 रुपये की चीज़ थी, हमारे अच्छे रिलेशन है उसके साथ, तो जो कहीं ना कहीं हमने ठीक है उसको डिस्काउंट दे दिया 5 10 रुपये का। तो ऐसा डिस्काउंट जो हम कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन हम डिसाइड करते हैं कि देना है कि नहीं, और गुड रिलेशंस, इमीडिएट पेमेंट कर रहा है वो बंदा, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। अब ये चीज़ ऐसी थी जो आप ले सकते थे लेकिन आपने छोड़ दी, तो ये एक स्पेशल चीज़ है। तो कैश डिस्काउंट को बस इतना समझ लो, कैश डिस्काउंट आपको चाहे मिला या आपने दिया, इसको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त, ठीक है। जर्नल में, कैश बुक में जब हम पढ़ेंगे तो इसको देखोगे, हम इसको जो है रिकॉर्ड करते हैं, जब हम डिस्काउंट देते हैं किसी को तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया उसको, और अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो हम रिकॉर्ड करते हैं उस किस रूप में, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एक और टॉपिक, छोटा सा रिबेट। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट होता है, लेकिन ये वो डिस्काउंट होता है जो हमें मजबूरी में देना पड़ता है, जैसे जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है गुड्स जो हैं थोड़े से ख़राब हो गए, मतलब अभी भी यूज़फुल हैं लेकिन हल्का फुल्का मतलब निशान वगैरह लग गया है,
अब उस चक्कर में जो है सामने वाला बंदा उतना प्राइस तो नहीं देगा जितना हम अभी तक मांग रहे थे, तो साफ पीस का वो दे देता, लेकिन ये तो पीस ऐसा है कि थोड़ा गंदा है। तो जो मजबूरी में हमें कई बार जो है सिचुएशन के हिसाब से डिस्काउंट देना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टॉक है हमें बेचना भी है, तो तब जो हम एकदम से डिस्काउंट दे देते कि वैसे तो ये चीज़ 80 की है, लेकिन चलो इसमें निशान वगैरह बहुत लग गए, तो चल ये वैसे भी बिके ना, उससे अच्छा है कि क्या 50 पे बेच देते हैं। तो यहाँ पे जो 30 रुपये जो डिस्काउंट दिया है वो मजबूरी में देना पड़ा है, तो इसको भी जो है बेसिकली इसको इस तरह के 30 रुपये के डिस्काउंट को हम बोलते हैं क्या, रिबेट। जनरल रिबेट आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी फिर भी रिबेट के बारे में भी हम आगे काफ़ी डिटेल में जनरल में बात करेंगे, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो तीन तरह के डिस्काउंट हो गए ओवरऑल, कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट, तीनों की बात करेंगे जब जर्नल की बात करेंगे, ठीक है। जर्नल जो हमारा लेसन होगा, ठीक है। वी होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, और सारे टॉपिक्स ऐसे हैं बहुत ही मतलब इजी टॉपिक हैं, बस मैं आपको एक तरह से रिमाइंड करा रहा हूँ एक तरह से कि हाँ ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। ओके, अगला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए जब हम समराइज करते हैं और बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट सपोज बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम समराइज करते हुए बनाते हैं, लेकिन जब बेसिकली हम जर्नल प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर जितने भी वाउचर्स होते हैं जो एविडेंस होते हैं ट्रांजेक्शन्स के, या अकाउंट्स बनाते हैं हम लेजर के अंदर, ये बेसिकली जो वाउचर्स, जर्नल और लेजर, ये जो बिहाइंड द सीन्स जो प्रोसेस हो रहा है ना, जिसके बेसिस पे फाइनली हम वो जो अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह ये सब बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, तो ये जो बिहाइंड द सीन है, इन बिहाइंड द सीन को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो वाउचर्स को और जो है जर्नल, लेजर, इन सबको कंबाइंडली हम बोल सकते हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जिनके बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हैं, वो बनेंगे, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही हो गई। ओके, अगली आइटम है एंट्री। तो बहुत सिंपल है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे जर्नल में कर ली, चाहे अकाउंट में जो है पोस्टिंग कर दी, तो एक तरह से उसको कहते हैं कि हाँ आपने एंट्री करी है। तो अकाउंटिंग में अपनी भाषा है इसकी कि आपने जो है एंट्री करी है। एंट्री करने का मतलब क्या है कि आपने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अगला आइटम है डेबिट। तो आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारा हमने डिस्कस किया था अकाउंट, तो अकाउंट का जो टी शेप स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट की, वो होती है क्या, डेबिट साइड। और जो क्रेडिट है, क्रेडिट साइड का मतलब होता है किसी अकाउंट की जो राइट हैंड साइड होती है, वो होती है हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि इस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि उस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड हमने जो है पोस्टिंग करी है, इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। और क्रेडिट करने का किसी अकाउंट को मतलब होता है कि उस अकाउंट के राइट हैंड साइड हमने पोस्टिंग कर दी है, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट ये तो चीज़ हमने बहुत ही डिटेल में अभी जब हमने अकाउंट जो शुरुआती जो टर्म्स हम समझ रहे थे तब हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये तो बहुत आसान है। प्रोप्राइटर अगला टर्म है। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बेसिकली जब जनरली बोला जाता है कि जब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक अकेला ओनर होता है, तो सोल प्रोप्राइटर आपने सुना होगा बिजनेस स्टडीज में। तो प्रोप्राइटर का मतलब सिंपली होता है ओनर, ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो बंदा जो सारे प्रॉफिट लॉस उसका होगा और जो रिस्क सारे उसके होंगे, कैपिटल वो लगा रहा है। तो बेसिकली प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, जो इन्वेस्ट कर रहा है अपने रिसोर्सेज बिजनेस में जो है, और वो एज अ ओनर की हैसियत से कर रहा है, आउटसाइडर की हैसियत से नहीं, ठीक है। ओके, डेप्रिसिएशन का मतलब हमने डिस्कस कर लिया है काफ़ी डिटेल में, कि जब भी कोई ऐसे एसेट को हम जो एक्वायर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, और ऐसा एसेट एक्वायर करते हैं जो नॉन करेंट होता है, यानी कि सालों साल चलेगा, तो उसकी जितनी भी जो कॉस्ट हमने बियर करी है उसको उसी साल में रिकॉर्ड नहीं कर लेते, उसको प्रॉपरली बांटते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, कि हम जो उस कॉस्ट को, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं साल दर साल, बांटते हैं, और उसको उतना ही पोर्शन को उस साल के लिए एक्सपेंस मानते हैं, और बाकी जो है बैलेंस शीट में बुक वैल्यू शो हो रही होती है, बैलेंस शीट वैल्यू शो हो रही होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना, ठीक है। और तो ये बहुत ही डिटेल में वैसे तो हमें लेसन में पढ़ना भी है डेप्रिसिएशन के, और जो है लेकिन वैसे हमने इससे थोड़ी देर पहले हमने इसी वीडियो में ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वी होप कि आपको कंसेप्चुअली आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या होता है डेप्रिसिएशन, उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। एक साथ रिकॉर्ड करेंगे पूरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और वो सही भी नहीं है, फेयर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उस एसेट का फ़ायदा इतने साल तक मिलना है, तो उसका जो कॉस्ट है उसको भी तो कई सालों में बांटना चाहिए, और उस छोटे से हिस्से को ही उस पीरियड में जो है एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए जो उस पीरियड को बिलोंग करता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मुझे लगता है कि आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने सेल किए उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट जो कि अट्रैक्ट हो सकती है, अटैच की जा सकती है उसके साथ,
यानी कि उस गुड को खरीदने से लेकर सेलिंग में भी जो खर्चे आए, उसको पैकिंग करने में वगैरह, यानी कि जो हमने गुड्स सेल किए उसकी टोटल जो है बेचने में हमें कितना पैसा लग गया, वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है वो हम चार्ज करते हैं, मतलब जो है कहीं ना कहीं शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जो सबसे पहले बनता है और उसके बेसिस पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ग्रॉस का मतलब होता है कि अभी कुछ इसमें से फर्दर माइनस होना बाकी है और ये नेट फिगर नहीं है, फाइनल फिगर नहीं है, तो ग्रॉस का मतलब वो होता है। इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट से फाइनल प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए हम उसके मिले हुए प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर जो और इंसिडेंटल इनकम एक्सपेंसेस कर देते हैं, जो और ऑफिस के खर्चे हैं, जो एक्स्ट्रा जो इनकम वगैरह और एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उसको भी जब मैच वगैरह करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तब जाके हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स देखिए ये बड़ा आसान सी बात है कि हमेशा जो डेटर्स होते हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल्स बोल लो चलो, कि ऐसे लोग, ऐसे सामने वाली पार्टीज जिनसे मैं पैसे लूंगा फ्यूचर में, क्योंकि मैंने आज उनको क्रेडिट जो है सेल करी है, ठीक है, उधार पे सामान दिया हुआ है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो पूरा पैसा दे ही दें? ऐसा भी हो सकता है कि पैसा मिलने का चांस खत्म ही हो जाए। तो कई बार होता है कि जो पैसा है वो नहीं मिलता और कोई चांस भी नहीं बचता कि पैसा आएगा, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब क्या करोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा सूट फाइल कर दोगे, पर फिर फॉर द टाइमिंग क्या करें जब हमें पता है कि पैसा तो मिलना है ही नहीं, और हमें ये भी पता है कि अकाउंटिंग में जो पॉसिबल लॉसेज हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं, उसको आपको पहले रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि एक ट्रू पिक्चर दिखे आपको, अपने प्रॉफिट वगैरह जो है बढ़ा हुआ ना दिखे, जो ट्रू प्रॉफिट है चाहे वो कम है पर ट्रू फिगर आपको दिखे। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं उस डेटर को आपको कैंसिल करना पड़ता है उतने अमाउंट से जितना अमाउंट आपको पता है कि अब नहीं मिलना, तो वो जो अमाउंट आप कैंसिल करते हो उस डेटर से जो आपको नहीं मिलना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा लॉस है, वो हमारा हो गया बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स, डेट मतलब जो उधार दिया था, बैड मतलब वो तो डूब गया एक तरह से पैसा, अब वो पैसा नहीं आना। ठीक है, अच्छा कभी कभी वो पैसा आ भी जाता है, हमने जब एक बार रिकॉर्ड कर लिया कि यार अब ये पैसा तो गया, ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने यहाँ पे बैड डेट्स, कभी क्या होता है कि ना 2-3 साल बाद, कुछ महीने बाद वो बंदा उठ के आ जाता है कि यार तब मेरी जो है कहने की फाइनेंशियल हालत ख़राब थी, मैंने जो है मना कर दिया था, मैं तब नहीं दे पाया, अब मैं चलो दे रहा हूँ। ठीक है, तो और देते भी हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं तो उनकी इमेज तो ख़राब ही हो जाएगी ना हमेशा के लिए। तो वो बंदे जो है आपको पैसा देने वापस आ गया, वो पैसा जो आपने बैड डेट्स के रूप में जो है मान लिया था कि अब तो ये मुझको मिलना नहीं है, लॉस मान लिया था, वो पैसा जो आपको मिल गया, लेकिन उतना जो पैसा आपको मिला है जो बैड डेट्स आपने रिकॉर्ड कर लिया था, अब उसको जो आपका वो पैसा मिला आपने उसको, अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे किस नाम से? बैड डेट्स रिकवर्ड, और ये बेसिकली आपका गेन होता है। अच्छा मैं गेन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक अनएक्सपेक्टेड एक तरह से प्रॉफिट हो गया ना, तो इसलिए मैं इसको प्रॉफिट नहीं कह रहा, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स में एकदम से नहीं होता है, हर रोज़ गेन, हर रोज़ इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं होती कि बंदा उठ के जो आ जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो वापस आते हैं देने पैसा जो आपने बैड डेट्स मान लिया था, तो इसलिए इसको मैं गेन कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब जो है दो शब्द हैं, इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक है, दो शब्द नहीं एक्चुअली 3 शब्द हैं, इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट लिक्विड, मैं तीनों को एक साथ समझा देता हूँ। देखिए आपके पास जो टोटल आपके असेट्स हैं और जो टोटल आपकी लाइबिलिटीज़ है, जो देनदारी हैं, अगर आपके असेट्स ज़्यादा हैं, आप कंफर्टेबल पोजिशन में हो और देनदारियाँ कम हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि आप सॉल्वेंट हो, ठीक है, और आप जो है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने पैसे जो है चाहे असेट बेचने पड़ जाए चलो, लेकिन आप पैसे दे ही सकते हो, लाइबिलिटीज़ इतनी भी नहीं है आपकी, आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ठीक है, अगर आप जो है कहीं ना कहीं आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा है आपके असेट्स से, तब हम कहते हैं क्या कि कहीं ना कहीं आप जो है इंसॉल्वेंट हो। क्यों? क्योंकि जो है आपका किसी भी तरह से ना आपका अपना पैसा ना आपके असेट, मतलब कुछ भी मिला के आपकी जो है देनदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और जो है अब आपको जो है सारे असेट्स बेच भी दोगे तब भी आप जो है रीपे नहीं कर पाओगे, तो उसको जर्नल एक टर्म यूज़ किया जाता है कि जब आपकी जो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और असेट्स कम रह जाते हैं, तब आप कहते हो। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका वगैरह नहीं आएगा आपको, ये बस कंसेप्चुअल एक टर्म आपको बताया जा रहा है कि जब आपकी असेट्स बहुत कम रह जाती है और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है असेट्स से, तो आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो। ठीक है, अब मैंने जो तीसरा टर्म बोला उसको एक बार समझ लेते हैं, लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है कि आपके पास इमिजिएटली अभी कैश मौजूद है कि नहीं, कि आप अभी पेमेंट कर पाओ जो पेमेंट आपको अभी करनी है, तो वो चीज़ होती है लिक्विड होना। फॉर एग्जाम्पल कि जो है आप सपोज मैकडी गए, अब मैकडी गए आप वहाँ पे जो है कोई कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कुछ भी नहीं लेके गए, गलती से जो आप सब कुछ मतलब जो है भूल गए, तो कहीं ना कहीं आपने जो अपने फ्रेंड से
जो है कहा कि यार चल तू पे कर दे, ठीक है, क्योंकि मैं यार मेरे पास इमिजिएटली कैश अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इमिजिएटली कैश अवेलेबल नहीं है तो इसको कहते हैं आप लिक्विड नहीं है उस वक्त, कि आपके पास रेडी कैश अवेलेबल नहीं है किसी भी फॉर्म में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कंगाल हो गए भाई, आपका घर है पीछे, आपकी गाड़ियाँ हैं आपके पास, सब कुछ है आपके पास, तो ये हम तब कहेंगे कि आप लिक्विड नहीं हो। लेकिन क्या आप सॉल्वेंट हो ना तब भी? हाँ, सॉल्वेंट तब भी हो आप, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो है कहीं ना कहीं आती जाती वाली बात है, लिक्विडिटी स्ट्रांग तभी होती है जब आपके पास रेडी कैश अवेलेबल होता है, तभी ना, तभी कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो हम बात करते आ रहे हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी नज़र होती है इन्वेस्टर्स की और स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस की। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट से तो पता लग ही नहीं पाता है एक्चुअली कि कैश कितना मतलब जो है इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है अच्छे से, मतलब पता नहीं लग पाता डिटेल में। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक बिजनेस लिक्विड पोजीशन में रहता है कि नहीं, ये जांचने के लिए भी कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत अच्छा टूल है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी होना भी एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है, क्योंकि सैलरीज तो देनी देनी है ना आपको, जो है क्रेडिटर को चलो आप 2-4 दिन बाद दे दोगे, पर सैलरी वगैरह या जो ऐसे खर्चे जो आपको बियर करने ही करने हैं, तो वो तो आपको करने ही करने हैं, और वो तभी हो सकते हैं कहीं ना कहीं वो तभी हो सकते हैं पूरे जब आपके पास रेडी कैश अवेलेबल हो। तो इसलिए लिक्विडिटी भी एक बिजनेस के लिए बहुत ही क्रूशल पार्ट है, चाहे वो कितना भी सॉल्वेंट हो, पर लिक्विडिटी भी उसके पास होनी चाहिए, रेडी कैश अवेलेबल होना चाहिए, चाहे इन हैंड्स या एट बैंक या ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करा होना चाहिए जो फटाफट रेडीली आप सेल करके पैसा रिलीज कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो खैर, अब आपको मुझे लगता है कि सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट और लिक्विड का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बहुत सिंपल है, जो बैलेंस शीट में आपको वैल्यू शो हो रही है ना फाइनली, जब आप पूरी अकाउंटिंग कर लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया और सारी चीज़ें एडजस्ट वगैरह करके फाइनली आप बनाते हो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में जो फाइनल वैल्यूज जो आपको दिखती हैं, जैसे आप जो फॉर एग्जांपल एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेट वैल्यू वो लिखते हो, ऐसे मतलब जो है डेटर्स में से बैड डेट्स हटा देते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करते हो, मतलब जो नेट फिगर्स फाइनली अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जब आप बैलेंस शीट बना के लिखते हो, तो जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू शो हो रही हैं उसको आप कहते हो बुक वैल्यूज, ठीक है। बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू, सेम थिंग, ठीक है। बैलेंस शीट का मतलब आपको पता ही है कि एक ऐसी स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं होता, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं जिसके थ्रू हम जांचते हैं कि एट अ गिवन डे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। अब वो लाइबिलिटी ओनर के प्रति भी हो चाहे या आउटसाइडर के प्रति, दोनों को ही मैं लाइबिलिटी साइड ही शो करता हूँ। जो ओनर के प्रति सारी लाइबिलिटीज़ है उसको मैं कैपिटल के रूप में या नेटवर्थ या इक्विटी या ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स कंपनी केस में उस तरह से डिनोट करता हूँ, लेकिन मानता लाइबिलिटी हूँ, ठीक है, ये चीज़ पक्की है। ओके, अच्छा ये किस कंसेप्ट की वजह से था? उस कंसेप्ट का नाम क्या था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आपको पता ही अब कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो परफॉर्मेंस बताता है एक गिवन पीरियड में, ये पीरियड का बनता है, 2017-18 का बनाया, और उसमें उस दौरान कितने खर्चे, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारी बातें जो है उससे पता लगती हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली उससे पता लगती है, उस साल में कैसी रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो लेसन था अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने अराउंड 40 टर्म्स डिस्कस की अकाउंटिंग की, वी होप कि आपको इस तो इसी के साथ जो हमारा लेसन था अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने अराउंड 40 टर्म्स अकाउंटिंग के जितने भी, चाहे इंपॉर्टेंट हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट हो, सभी बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए, और वी होप कि आपको समझ आया होगा। और यदि कोई भी सजेशन हो, कोई भी अगर जो है डाउट अभी भी हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, और ज़रूर प्लीज़ सिर्फ एक शेयर कर दीजिए इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ताकि चांसेस बन सके कि हमारी वीडियो ज़्यादा लर्नर्स तक, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वैल्यूएबल टॉपिक के साथ, कम से कम टाइम में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।